कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे एवरीबॉडी एवरीबॉडी जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम ओम नमो भगवते वासुदेवाय दुर्गा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तप्त कांचन गौरांगी कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो हमारे गुरुदेव और उनके गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी और हमारे सभी आचार्यगण सभी वैष्णवगण इनकी असीम कृपा से हम अभी श्री बरसाना धाम आए हैं। बरसाना धाम में कोई भी गाड़ी से ट्रेन से प्लानिंग करके कमरा बुक करके नहीं आ सकते, यहाँ पर राधा रानी के कृपा से ही हम आ सकते हैं। ये बड़ा दिव्य धाम है। जैसे अपना घर होता है ना, तो उसमें आंगन होता है, पार्किंग लॉट होता है, फिर एंट्री करते तो हॉल होता है, ड्राइंग रूम होता है, उसका और एक ड्राइंग रूम होता है, फिर एक फ्री जगह होती है, फिर डाइनिंग रूम होता है, फिर उसका किचन होता है, फिर होता है अंतःपुर। अंतःपुर यानी प्राइवेट एरिया, यहाँ पर घर के मालिक सोते हैं, आराम करते हैं, शयन करते हैं। वहाँ पर सभी लोगों को प्रवेश नहीं होता है,
कुछ कुछ लोगों को दरवाजे से ही विदा कर देते, दूध वाला, धोबी, कचरे वाला, उधर से ही। कुछ कुछ ऑफिशियल काम करने के लिए साइन लेने के लिए, प्रभु जी साइन नहीं करना, ट्रस्ट पेपर, तो वो लोग ड्राइंग रूम तक पहुँचते हैं। कुछ नेबर वगैरह फ्रेंड्स आ जाए तो थोड़ा सा इधर उधर डाइनिंग तक पहुँच सकते हैं, कोई वो विशेष होगा तो ही वो बेडरूम तक जा सकता है। सो अंत कक्ष में सबको निमंत्रण नहीं होता है। उस तरह से पूरा जो ब्रज भूमि है 84 कोस का, 168 स्क्वायर माइल्स, 235 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये जो ब्रज भूमि है वो तो सीमित नहीं है, लेकिन एक टेक्निकली उसका अंडरस्टैंडिंग इतना है। तो उसके आगे उपब्रज भी है, जैसे हाथरस, आगरा, पलवल, ये सब उपब्रज है। दिल्ली को भी उपब्रज कहा गया है। तो एनीवेज, तो इसमें भी बहुत सारी अलग अलग जगह है। कुछ जगह भगवान गौचारण करते हैं, कुछ जगह नौका विहार करते हैं, कुछ जगह सबके लिए ओपन है, कुछ जगह क्लोज्ड है। ऐसे बरसाना जो है ब्रज ब्रज भूमि का अंतपुर है। राधा कुंड, श्याम कुंड भी ब्रज भूमि का अंतपुर है। वहाँ पर सभी लोगों को प्रवेश नहीं है। शरीर से तो गधा भी जाएगा वहाँ पर, लेकिन आत्मा से सभी लोगों को प्रवेश नहीं होता है वहाँ पर। इसलिए हम लोगों को अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि गाड़ी से क्यों ना हो, शरीर से क्यों ना हो, हमको राधा रानी ने यहाँ प्रवेश तो दिया है, यहाँ की हवा में, यहाँ के वृक्ष के नीचे, यहाँ की रज में आप बैठे हुए हैं। जिसमें आप बैठे ना, आपको लगा होगा क्या व्यवस्था है यात्रा की, बैठने की भी जगह नहीं है, मट्टी में बिठा रहे हैं। यहाँ पर आपको जानबूझकर मट्टी में बिठाया जा रहा है। तो ये जो रज है जिसमें आप बैठे हैं, हो सकता है अभी तक लाखों कण आपको रज के स्पर्श कर चुके होंगे। इस हर एक रज के कण में राधा रानी के चरणों का स्पर्श है। श्री कृष्ण के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए पूरे देवता लोक से देवता, देव ऋषि सब लोग आ जाते हैं, और वो श्री कृष्ण जिनके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए सारे आते हैं, वो श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर राधा रानी की रज लेने के लिए खुद आते हैं। जिनके रज में सारे लोग लोटपोट होते हैं, वो स्वयं यहाँ पर यहाँ के रज में लोटपोट हो जाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर क्या कहते हैं, ही इज रोलिंग इन द डस्ट ऑफ बरसाना धाम। केवल इस रज को माथे पे नहीं लगाते हैं, उसमें दंडवत प्रणाम करते हैं। केवल दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं तो रोल हो जाते हैं, उसको कहते हैं लोटपोट हो जाना। और केवल लोटपोट नहीं होते हैं, इसमें अश्रु भी बहाते हैं, याचना के अश्रु बहाते हैं, और उस अश्रु और रज के मिश्रण में भी लोटपोट हो जाते हैं। राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, मनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और करते भी हैं। ऐसे भूमि में हम लोग आए हैं, यहाँ पर साधारण भूमि नहीं है। हमारे गौर किशोर बाबा महाराज जो प्रभुपाद जी के गुरु जी के गुरु जी थे, प्रभुपाद जी के गुरु जी के गुरु जी थे, करेक्ट, वो कहते थे कि पूरे वैकुंठ के साम्राज्य से भी यहाँ का एक रज का कण खरीद नहीं सकते हैं। वो वृंदावन की बात हो गई, तो बरसाने के क्या कहेंगे आप। ऐसे रज की महिमा है। इस रज के कण में राधा और कृष्ण के प्रेम का रहस्य छुपा हुआ है, जो तो किसी भी कीमत पर हम खरीद नहीं सकते हैं बिना कृपा के। कृपा ही है उसका एक मूल्य है, और कृपा कभी भी हम छीन नहीं सकते किससे। हे कृपा करो मुझ पर, प्लीज बी मर्सीफुल टू मी, आई एम टेलिंग यू गिरिराज प्रभु, प्लीज मर्सीफुल टू मी, ऐसा नहीं होता है। कृपा तो हृदय से होती है ना, और कृपा कब होती है हृदय से, जब वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, तो उसकी प्रसन्नता में ही इसकी कृपा छुपी हुई है। तो राधा रानी कब प्रसन्न होगी, जब राधा रानी के भक्तों की हम सेवा करेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। हमारा PhD, हमारा वेल्थ, हमारा प्रॉपर्टी, हमारा एसेट, हमारा अधिकार, हमारा पावर, नॉलेज, हाँ जो भी हमने इकट्ठा किया है, उससे ये प्रसन्नता नहीं हो सकती है। उल्टा कभी कभी उसके कारण गर्व होकर हम गलती कर बैठते हैं, बहुत बड़ा डेंजरस चीज़ है ये। क्योंकि कोई भी ऐसा एक ऑपुलेंस आ गया ना हमारे पास, ऐश्वर्य, तो गर्व सबसे पहले साथ में आता है, उसके हाथ पकड़ के आता है उसके, तो वो जो ऑपुलेंस है उसके साथ डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे संतों का सहारा होना चाहिए कि हमारे सारे ऐश्वर्यों को, सारे प्राप्तियों को, सारे क्वालिफिकेशंस को, धन को, अधिकार को कैसे भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में लगाया जाए,
इसका जो कला है, आर्ट है, ये संतों के संग में ही हम सीख सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि राधा रानी को प्रसन्न करना है तो केवल राधा रानी के भक्तों की सेवा करनी है। राधा रानी के भक्त कौन है? जो जो राधा रानी और कृष्ण का महामंत्र जपते हैं वो सब उनके भक्त हैं। उसके आगे जो यहाँ रहते हैं वो उनके विशेष भक्त हैं। जो यहाँ पर जन्म लिए हुए और विशेष भक्त हैं। कुछ लोग बाहर से आके यहाँ बसे हुए हैं, वो भी बहुत प्रिय हैं राधा रानी को, क्योंकि तो उनकी मर्जी के बिना कोई रह नहीं सकता है, उनकी मर्जी के बिना कोई जन्म नहीं ले सकता है, उनकी मर्जी के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, और उनकी कृपा के बिना यहाँ पर सेवा भी नहीं कर सकता है। जब हृदय शुद्ध हो जाता है ना, पवित्र हो जाता है, साधना करने से, सेवा करने से हृदय में सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो उस पवित्र स्थिति में ही यहाँ की सेवा जो है वो बढ़िया से कर सकते हैं। इसलिए जीवन का लक्ष्य होना चाहिए हमारा कि हम जहाँ कहीं भी रहे, जरूरी नहीं कि यहीं आके रहे और यहीं आकर ही सेवा करें, जहाँ कहीं भी रहे वहाँ रह के भी राधा रानी के और उनके भक्तों की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि सेवा कोई जगह पर सीमित नहीं होती है कि यहीं पर कर सकते हैं, वहीं पर कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं, वैसे ही कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। रूप गोस्वामी कहते हैं देर इज़ नो मटीरियल इम्पेडिमेंट इन डिवोशनल सर्विस। भगवान की भक्ति में, राधा रानी की सेवा में कोई भौतिक बाधा नहीं है, देर इज़ नो इम्पेडिमेंट, कोई लिमिट नहीं है, कोई बंधन नहीं है। उसके परे जाकर आप जहाँ पर भी हो, आत्मा से, तन से, मन से राधा रानी को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। तो बरसाना धाम का महात्म्य ऐसा है कि श्री कृष्ण को रसराज कहते हैं, सारे रसों के राजा हैं, लेकिन रस की प्राप्ति राधा रानी से करते हैं। रस की प्राप्ति राधा, रस की निर्मिति राधा रानी से होती है, फिर राधा रानी से कृष्ण को प्राप्त होता है रस, और रस का विकास कृष्ण करते हैं और फिर वो रसराज बन जाते हैं। जो भी भक्ति भक्ति हम कहते हैं ना, वो उसका उगम राधा रानी से होता है। राधा रानी भक्ति देवी के नाम से जानी जाती है, भक्ति की शुरुआत, भक्ति का उगम उनसे होता है और फिर पूरे विश्व को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भी उनको वो उनसे भक्ति का बीज लेते हैं क्योंकि वो भी उनके भक्त हैं। परम भगवान गोलोकेश्वर परात्पर भगवान परमात्मा जो हैं वो राधा रानी के भक्त हैं और हम भी राधा रानी के भक्त बनना चाहते हैं। हमारे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनका नाम था, तो उनके पास आके थे कोई भक्त लोग, कहते थे हम कृष्ण के भक्त हैं, तो उनको थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद प्रणाम, बहुत अच्छा थैंक यू करके भेज देते थे। अगर कोई आके बोलेंगे कि हम भक्तों के भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं, तो उनके पास बहुत समय बिताते थे, क्योंकि हमको कृष्ण भक्त होने की जो पदवी है ना, कृष्ण भक्त, ये बहुत बड़ी बड़ी पदवी है। हमको तो केवल, हमारा एस्पिरेशन क्या है, गोपी भरतुर पदकमलयोर दास दास अनुदास, हमको भक्तों के भक्तों के भक्तों का दास बनना है। उसको सबसे पहले राधा रानी और कृष्ण भगवान देखते हैं, जो सबसे नम्र होकर दासों के दासों का दास बनकर उनकी सेवा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फूल बिनने की सेवा है तो किसी को कहा है कि लाल फूल बिनो, येलो फूल बिनो, गुलाबी फूल बिनो, तो बिन रहे हो, फिर वो किसी को दे जाते हैं, फिर वो उसकी माला बनाते हैं, फिर और किसी को दे जाते हैं, फिर कोई तीसरा ही पुजारी उसको भगवान पुर चढ़ाएगा। लेकिन जो फूल बिन रहा है वो कंपटीशन नहीं करेगा कि प्रभु हमने फूल बिने हैं, अभी आप खाली रेडीमेड माला को पहना रहे हो, हमको भी मौका दो भगवान को फूल चढ़ाने का। नहीं, वो सेवक क्या बोलेगा, जो भी है कोई भी चढ़ाएगा, हमारे फूल तो हमने बिने, वो भगवान के शरीर पर चढ़ रहे हैं। यही भाव होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या करने को मिला, मैं कोऑर्डिनेटर क्यों नहीं हूँ, मैं मैनेजर क्यों नहीं हूँ, मैं चीफ क्यों नहीं हूँ, मैं बस लीडर क्यों नहीं हूँ, मैं ये क्यों नहीं हूँ। वो सभी करना है लेकिन सेवा भाव से करना है, भक्तों की सेवा भाव से करना है। वो जो सेवा भाव है ना, यहाँ का एंट्री पासवर्ड है, वो होगा तो आपको आत्मा से यहाँ से प्रवेश मिलेगा, आपको दिव्य अनुभव आएंगे। देखिए, सब लोग यहाँ पर आए हैं,
लेकिन हर एक को यहाँ का अनुभव अलग 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 होगा। एक ही धाम में आए, एक ही हवा में बैठे हैं, एक ही जगह बैठकर कथा सुन रहे हैं, एक ही राधा रानी का मंदिर का दर्शन करेंगे, सब एक सब कुछ सबको मिलेगा एक समान, लेकिन सब ग्रहण करेंगे अलग अलग, क्योंकि हर एक का कप डिफरेंट साइज का है। कोई 100 ml का है, 200 का है, कोई 500 ml का है, 1 liter का है, कोई 5 liter का है, कोई 50 liter का है। वो बताया ना मैंने आपको, याद है ना आपको, हमेशा याद रखना कमल कितना खिला हुआ है उतनी रोशनी अंदर आएगी, कमल कितना बंद है उतना रोशनी अंदर कम आएगी। तो ये धाम का और एक स्वभाव भी है, वो आपके कमल को अधिक खिलने के लिए भी व्यवस्था बना लेता है। धाम का ये महत्व है और ये धाम की बड़ी महिमा है कि धाम हमारे चेतना को विकास करने का मौका देता है, क्योंकि धाम और भगवान एक तरह से अभिन्न है और एक तरह से भिन्न भी है। धाम और भगवान सेम है लेकिन एक अंतर है उसके अंदर, धाम भगवान से ज्यादा दयालु है। भगवान का नाम और भगवान सेम है लेकिन भगवान का नाम भगवान से अधिक करुणा वाला है, भगवान की लीला भगवान से भी अधिक करुणा वाली है। तो नाम रूप लीला और धाम ये चार चीजें भगवान से अभिन्न है लेकिन भगवान से अधिक करुणा वाले हैं, मोर मर्सीफुल एंड मोर कंपैशनेट। तो वो कंपैशन में ज़्यादा में क्या करते हैं, वो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारी चेतना का विकास करते हैं, चेतना को एक्सपैंड करते हैं, फिर उसमें भगवान के बस जाने की सुविधा हो जाती है। तो वी हैव कम हियर टू एक्सपैंड अवर कॉन्शियसनेस, दिव्य रूप से हमारी चेतना को विकसित करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर ना बटोरना है केवल, अरे वो थैली बहुत छोटा लिया के बड़ा थैली लेना चाहिए, ऐसे बड़ी थैली लेकर बटोरना चाहिए, सारा संभाल के रखना है उसको, परवरिश करनी है, कल्टीवेट करना है जो आपने यहाँ पर बटोरा है। बाकी तो रास्ते में सिंघाड़ा भी मिलेगा आपको, गन्ने का रस भी मिलेगा, सब मिलेगा, केला मिलेगा, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बात नहीं है, लेकिन ध्यान जो है ना वो राधा रानी पर होना चाहिए। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि स्टेशन पर उतरने के क्षण से, एयरपोर्ट में उतरने के क्षण से वापस ट्रेन और एयरपोर्ट की जगह पर पहुंचने तक और घर जाने तक हृदय के अंदर राधा रानी की कृपा याचना करनी चाहिए। तो लोग बहुत लोगों को पूछते हैं कि कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो मैं सोच रहा था कि कैसे सिंपल बनाया जाए उसको। तो एक लाइन हमने ऐसा सोचा कि ये बहुत इजी है, आप जब चाहे बोल सकते हो। क्या लाइन है वो, बोलो, राधे, राधे किशोरी दया करो, बस दो चार मंत्र हरे कृष्णा किया, राधे किशोरी दया करो, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, राधे किशोरी दया करो, माला पूरी हो गई, राधे किशोरी दया करो, चल रहे रास्ते में बस में बैठ रहे उतर रहे, राधे किशोरी दया करो, ऐसे प्रैक्टिस करो तो ऐसा अभ्यास हो जाएगा ना कि राधा रानी को आपके ओर देखना ही पड़ेगा, अरे तो निरंतर मुझे पुकार रहा है, दया करो दया करो दया करो, कभी तो करना ही पड़ेगी दया मुझे, इतनी बार पुकार चुका है ना, दरवाजे पे दस्तखत दिया, एक दो बार दिया, 50 बार दिया तो दरवाजा खोलना ही पड़ेगा ना उनको। उस तरह से अभ्यास बना दो, कुछ लग गया ना खुट कर गए तो राधे किशोरी दया करो, कुछ ऐसा चमटा लग गया, कुछ ठेक लग गई, वहाँ भी तरह गिर गए ना अभी, राधे किशोरी दया करो, तुरंत राधे राधे ऐसे बोलते रहो। प्रभुपाद जी भी कहते थे प्रसाद लेते समय एक घास खाने हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, ऐसे कुछ भक्त थे प्रभुपाद के समय, तो पूरा प्रसाद का समय पे हरि बोल करते ही खाते थे उसको, हर ग्रास पे हर कौर पे भगवान नाम। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। और वो अभ्यास करने के लिए हम सब कुछ छोड़ के फुल टाइम यहाँ पर आए हैं, कोई ड्यूटी पर जा रहा है यहाँ पर, सब ड्यूटी वूटी सब छोड़ के, छुट्टी वुट्टी करके, सब कार्य सेट करके आप यहाँ पर आए हो ताकि फुल टाइम आप एक चीज का अभ्यास कर सकें, जो मुंबई में अहमदाबाद में सूरत में इंग्लैंड में इधर सब जगह पर फुल टाइम नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी भी काम होते हैं, कर्तव्य होते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़ के धाम में आना चाहिए भगवान के चरणों में आश्रय लेने के लिए और ये अभ्यास करने के लिए कि इधर जो फुल टाइम प्रैक्टिस हो रही है वो उधर भी बीच बीच में खाना बनाते समय राधे राधे, कपड़ा धोते समय राधे राधे, सुखाने समय राधे राधे, हरे कृष्णा हो सकता है। और कोई जगह का बंधन नहीं होता है, केवल इच्छा होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, सब कुछ हो जाता है।
सब कुछ हो जाता है। मनुष्यों को इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, निश्चय शक्ति दी है भगवान ने, और किसी भी योनि को नहीं दी है। उसका प्रयोग करके हमको ये निश्चय करना है। कुछ बाधा आ रही है, किसी को चाय नहीं छूट रही है, किसी को कुछ नहीं छूट रहा है, निश्चय करो, प्रार्थना करो, कृपा मांगो, सब हो जाएगा। तो ये जगह ऐसी है जहाँ पर परम भगवान जिनकी हम कृपा चाहते हैं वो भी कृपा लेने के लिए आते हैं। अपने जीवन का जो है ना, क्या कहते हैं उसको, फाउंडेशन, बुनियाद राधा रानी को मानते हैं भगवान। राधा बिना कृष्ण आधा, ऐसे भी यहाँ पर कहते हैं। राधा रानी के बिना कृष्ण को पूर्णत्व प्राप्त नहीं होता है, पूर्णत्व जो है राधा रानी के कारण ही कृष्ण को प्राप्त होता है। यहाँ पर तो कहते हैं लोग कि कृष्ण के साथ राधा रानी खड़ी है तभी कृष्ण अच्छे दिखते हैं, अलग हो गए तो निस्तेज दिखते हैं। दो कारण है उसके, एक कारण यह है कि राधा रानी गई अभी मेरे साथ नहीं है, इस भावना से निस्तेज हो जाते हैं, और एक राधा रानी का तेज उनको नहीं प्राप्त होता है इसलिए वो निस्तेज होते हैं। यहाँ का जो गौर तेज है, गौर तेज यानी राधा रानी का जो स्वर्ण गौर तेज है, वो इतना प्रभावी होता है कि वो नंदगांव को भी व्याप्त कर लेता है, ताकि नंदगांव में उनको छोड़कर जब कभी कभी रहना पड़ता है रात को वहां पर, तो बड़े व्याकुल और निस्तेज रहते हैं, थोड़ा उनको सांत्वना देते वो। सब जगह राधा रानी का तेज फैला हुआ है और कृष्ण उसी के अपने आप को क्या है ना, निम्न मानते हैं, सबॉर्डिनेट मानते हैं अपने आप को। तो इसलिए बस प्रार्थना करते रहो, सब उसी में समाया हुआ है। हर चीज जो आपको वांछित है, जो आपको चाहिए, जो आपको जरूरत है, आवश्यकता है उसकी, वो सब चीज राधा रानी को प्रार्थना करके प्राप्त हो सकती है। राधा रानी के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। राधा रानी का एक नाम है लाडली, यानी बहुत प्रिय, प्यारी। तो लाडली जी, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। सब दुनिया की ठोकर खाने वाले ठोकर खा चुके हैं, हाँ पीट चुके हैं, माया के द्वारा और किसी कर्मों के फलों के द्वारा, वो सबको राधा रानी स्वीकार करती है। कृष्ण कैसे हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तु माम योजनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उन्होंने वादा किया है मैं देखूंगा आपको, कब देखूंगा, अनन्यश्चिन्तयन्तु माम, जब मेरे अनन्य भक्ति करेंगे, अनन्य मतलब अन्य कोई नहीं, केवल मैं 100%, तब मैं आपका क्षेम कुशल देखूंगा। तो वो दूर की मंजिल है, वो वहां तक पहुंचने के बीच में क्या करेंगे, तड़पते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, लेकिन उनका कंडीशन है, वो स्वतंत्र हैं, अभिज्ञ स्वराट है, वो क्या करें। लेकिन राधा रानी कैसी है, आप कैसे भी हो, अगर आपके मन में प्रामाणिकता है, नम्रता है, सिंसेरिटी है, और बाकी सारे दोष भरे हुए हैं, राधा रानी आपको स्वीकार करेगी। अपने ललिता विशाखा सखियों को बोल के रखा है उन्होंने, सब लोगों को ऐसे पकड़ के लेके आओ और अपने यहाँ सहारा दे दो, अच्छी तरह ट्रेनिंग दे दो उनको, और ट्रेनिंग देके मेरे पास लेके आओ, जैसे भी हो, फिर मैं उनको कृष्ण को अर्पण करूँगी। राधा रानी कैसे खड़ी है हमारे मंदिर में, ऐसे उनके हाथ में क्या है, आप और हम, बड़ी दयालु है वो, जो उनके भक्तों की सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उनको खुश करते हैं, वो उनके हाथ में आ जाते हैं, ऐसा है। बहुत एक कठिन कठिन से कठिन जो बात है ना, वो राधा रानी के कृपा से बड़ी आसान हो जाती है। वैसे हम लोगों को, मुझे तो हमेशा लगता है कि एकदम होपलेस कंडीशन है, कि क्या हम कर सकते हैं जिसकी वजह से राधा रानी प्रसन्न हो जाए, इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन उनकी कृपा ही ऐसी है कि वो आसान हो सकता है। कृष्ण को प्रसन्न करना तो बहुत मुश्किल है। वो मोर भी गया था नंदगांव में, पुकारते पुकारते पुकार पुकार के थक रो के थक गया बेचारा, वो नो रिस्पॉन्स। तो वो बरसाने में आया, कुछ कुछ की ब्रजवासिनी वहाँ पर कहा, क्यों रो रहे हो बेटा तुम, बोले राधा रानी को, कृष्ण को पुकारा, सहस्त्र नाम लिया पूरा फायदा नहीं हुआ,
तो ठीक है, बात नहीं, निराश मत हो जाओ, वर्षा नहीं चलेगा, राधा रानी को पुकारो। राधा रानी को पुकारो, तुरंत राधा रानी आ गई। मुड़ को पूछा क्यों रो रहे हो? बोले मैं नंदगांव गया था, बहुत पुकारा, बहुत रोया, कुछ नहीं हुआ। बोले कोई बात नहीं, डोंट वरी, इतने प्रेम से पुकार रहे हो, अश्रु बहा रहे हो, दोबारा जाओ। अभी नंदगांव में जाकर ना कृष्ण कृष्ण गोपाल गोपाल मत पुकारना, वहां जाके राधे पुकारना। क्या पुकारना? इतना स्लोली पुकारने का तो कोई सुनाई कैसे पड़ेगा? जय जय श्री राधे। एक कारण ये भी था इस राधे कहने का, क्योंकि हमारी एक मंडली आ रही है वहां से, उनका स्वागत कर रहे हैं हम। तो वो वापस बरसाने से नंदगांव चला गया और वहां से उसे जाके राधे ही पुकारा। क्या कहें, रा से धे तक नहीं पहुंचा तो कृष्ण भाग के आए। धे तो अभी आना है, धे के पहले ही आ गए, भाग के आ गए। कौन मेरी राधा रानी को पुकार रहा है? तो मोर को देखा तो तुरंत गोद में लिया उसको, उसको प्रेम से दुलारा। मोर तो ऐसा थर्रा गया पूरा, ट्रेम्बलिंग नेक्स्ट सी यू नो, पूरा थर 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 हो रहा उसका, कांप रहा था वो, कंप हो रहा था उसके शरीर में। तो उस कंप में, उस भाव में, उस प्रेम में उसके कुछ मोर पंख झड़ गए। कृष्ण ने उसको उठाए, अपने सर पर धारण किया। एक कारण है उसका, वो मोर पंख क्यों धारण करते हैं। तो ये मैंने कहानी इसलिए बताया कि कृष्ण को पुकार कर उनका ध्यान आकर्षित करना, उनको प्रसन्न करना और उनकी कृपा प्राप्त करना, ये बहुत एक दो तीन चार मुश्किल 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 बातें हैं सब। लेकिन उनको ही प्रसन्न करना आसान हो जाता है जब उनकी प्रियतमा राधा रानी को हम प्रसन्न करते हैं। लोग भी हमको पूछते हैं, बरसाने में क्यों हॉस्पिटल बना रहे हैं? वृंदावन में बनाओ, मथुरा में बनाओ, इतनी फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमने कहा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी और फैसिलिटी के लिए यहाँ पर नहीं आए हम, हमारा कारण यह है कि हम राधा रानी की कृपा चाहते हैं। इसलिए 30 साल लगे, अभी दिख रहा है ना आपको, 30 साल के बाद में हुआ है सब ये। हम अभी युवावस्था में आए थे, अभी बूढ़े होकर आ रहे हैं तभी दिखाई पड़ रहे हैं। उम्मीद यही है कि आँख बंद होने के पहले पूरा दिखाई पड़े। लेकिन राधा रानी के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है, वो सबकी सुनती है, सबकी सुनने के लिए यहाँ बैठी हुई है। इसलिए आज का दिन कोई भी इधर उधर भटकना नहीं मन से, आज का दिन सब लोग एकाग्र होकर केवल राधा रानी को पुकारो, पुकारते रहो, पुकारते रहो, पुकारते रहो, थकना नहीं, थकना मना है पुकारने के लिए। और यहाँ वहाँ दिल को मत भटकाओ, राधा रानी के नाम पर अपना मन केंद्रित करो और राधे किशोरी दया करो। बोलो, जरूर दया करेगी वो, निश्चित रूप से करेगी। तो यहाँ का इतिहास बहुत रोचक है। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर मतलब उनके टेन्योर के, उनके जो जब उनका जन्म हुआ भगवान के नाभि से कमल में ब्रह्मा लोक में जब प्रकट हुए, उसके बाद पता चला, ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर उनके टेन्योर के पहले सत्ययुग में, क्योंकि सत्ययुग तो कई आएंगे ने, हर एक कल्प के अंत में आएंगे, तो पहले सत्ययुग में अपना काम शुरू करने के पहले ही 60,000 साल तप किया उन्होंने। क्योंकि सत्ययुग का समय कितना है? 17,28,000 साल, ये सत्ययुग का कालावधि है। उसमें पहले 60,000 साल उन्होंने तप किया, कोई रिस्पांस नहीं मिला कृष्ण के तप करने के बाद। फिर अपने काम पे लगे, ड्यूटी पर लगे, निर्माण का कार्य किया, फिर उस सत्ययुग के एंड में वापस 60,000 साल तप किया। हम लोग कर सकते क्या? बाप रे, 60,000 ईयर तो लाइफ भी नहीं है इधर, 60 ईयर भी जिए तो बहुत हो गया, पेपर में नाम आएगा 60 कंप्लीटेड, षष्ट्यब्दी पूर्ति। तो 120,000 साल तप करने के बाद कृष्ण ने दर्शन दिया उनको। पुरास्य कृतयुगस्य ब्रह्मा प्रार्थतो हरि ममोपरि क्रीड़ा करिष्यसि, ऐसा कुछ श्लोक है जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप मुझ पर, तो ब्रह्मा जी को दर्शन दिया भगवान ने, तो भगवान ने पूछा क्या चाहते हो? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके चरणों के रज चाहते हैं, आपके और गोपियों के चरणों की। तो भगवान कहते हैं वृषभानुपुरम गत्वा, वृषभानुपुर चले जाओ, पहले कहा ब्रज में चले जाओ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रज बहुत बड़ा है, कहाँ जाएं?
तो बोले बृषभानुपुर, यानी राधा रानी के पिताजी का नाम बृषभानु है, जहाँ रहते हैं उनका नाम बृषभानुपुर यानी बरसाना, वहाँ चले जाओ। तो ब्रह्मा जी आए और पर्वत बने, ये भी इसका इतिहास है। कल जो बताया था आपको अनसुईया माता की कहानी, वो भी एक इतिहास है। तो देखो आप, सृष्टि के प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द ब्रह्मांड, पत्थर बनने को तैयार है। क्यों? राधा रानी की कृपा चाहिए उनको। राधा रानी की कृपा के लिए सब कुछ छोड़ देने की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि वो कृपा प्राप्त करना यानी स्वयं कृष्ण को प्राप्त करना। कृष्ण को प्राप्त करना मतलब सब कुछ प्राप्त करना। आपके पास जो है आज लगेगा मेरे पास बहुत कुछ है, मैं त्याग नहीं कर सकता, तो आपको बाद में लगेगा तो जो छोड़ा तो मैंने वो कुछ भी नहीं था जो प्राप्त कर चुका हूँ। ध्रुव जी कैसे बोले, अरे वो तो मैं ध्रुव लोग ऐसा अटल, क्या कहते हैं उसको, अटल स्थान प्राप्त करने के लिए या तप करने के लिए आया था, लेकिन अभी वो अटल स्थान मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आपके रूप में मुझे जो हीरा प्राप्त हो गया है उसके सामने मुझे टूटे हुए कांच के टुकड़े नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट। अपने आप पता चला उनको, जो उद्देश्य लेकर आए थे वो उद्देश्य उनको तुच्छ लगने लगा। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट जो लाभ हुआ वो इतना ऑब्वियस, इतना प्रकट था कि उनको लगा कि क्यों मैं आया सब ये बेकार चीज के लिए, इतना मेहनत करने के लिए, इतना तड़प के क्यों आया मैं। वैसे ही जब आप राधा रानी की कृपा प्राप्त करोगे, कृष्ण को प्राप्त करोगे, तो आपको लगा कि मैंने कोई कीमत नहीं चुकाया है, बहुत छोटी सी कीमत चुकाया है, इसके लिए मैं इतना आसक्त था। आज हमको जो अच्छी लगती है चीज, जिसमें हम बहुत दिल लगा कर बैठे हुए, वो कृष्ण के सामने कुछ भी नहीं लगेगी आपको आगे जाके। राधा रानी की कृपा के सामने लगेगा कुछ भी नहीं है। और जैसे ये भावना हम अपने हृदय में बनाते ना, तो कृष्ण राधा हमारे साथ नित्य रूप में रहेंगे। दे विल बी ऑलवेज विथ यू वेर एवर यू आर। तो चिंता दुख करने की जरूरत नहीं कि हम ब्रज में नहीं रहते हैं, बम्बई में रहते हैं, पूरा पूना में रहते हैं, जहां भी रहो राधा कृष्ण आपके संग ही रह सकते हैं, अगर आप इस भाव को कल्टीवेट करते हो। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर चार मुख वाले पर्वत बने। वो देखो ये जगह जो है ना हमारी, वो इतनी भाग्यशाली जगह है, इस जग के इस जगह में किसी भी मिलीमीटर पे आप खड़े रहो, आपको जहां मर्जी है खड़े रहो, आपको ब्रह्मा जी के चारों शीश दिखाई पड़ेंगे। अभी तो बिल्डिंग बीच में आएगी, उसके आगे जाएंगे तो आपको किसी भी जगह पे, आप वो कोने में जाओ उधर हमारा गेट है, 5 एकड़ जगह है, ये गेट इधर है, मेन रोड है, कहीं भी खड़े रहो आपको चार शीश है ब्रह्मा जी के ना। एक है भानुगढ़, जहाँ पर विश्वभानु महाराज ने अपना घर बनाया, राधा रानी, उसके बड़े भाई श्रीदामा, छोटी बहन अनंग मंजरी, सब यहाँ पर निवास किया। वो आज उनका घर जो है वो राधा रानी का मंदिर बना हुआ है, इसको श्री जी मंदिर कहते हैं, राधा रानी का मंदिर कहते हैं, लाडली लाल मंदिर कहते हैं, वो यहाँ पर है। उसके बाद में दानगढ़ है, यहाँ पर भगवान खुद दान मांगते हैं, दुनिया को दान देने वाले खुद यहाँ पर भिक्षा मांगते हैं, प्रेम की भिक्षा मांगते हैं, वो दानगढ़ है। उसके आगे विलासगढ़ है, वहाँ पर विलास लीलाएं करते हैं। उसके आगे मानगढ़ है, जहाँ पर राधा रानी रूठ कर बैठ जाती है। ये चार ब्रह्मा के शीश हैं, और उनके शीश के ऊपर राधा रानी और गोपी, कृष्णा और गोपियों ने सबने लीला किया। यहाँ पर ब्रह्मा जी जब लीला होती थी ना, तो ब्रह्मा जी ऐसे 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 दोलायमान होते थे, यूज टू मेल्ट इन एक्सटेसी, इसलिए उस पर चिन्ह निर्माण होते हैं। जब वो लीला करते हैं तो उनके हथेली के, इसके दुपट्टे के, हर लखोटी के सब चिन्ह बनते क्यों हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे हो रहे हैं। उनको भी अपना पत्थर का रूप जो है वो मेंटेन करना मुश्किल है पत्थर, लेकिन वो लिक्विड हो रहे हैं, ऐसी लीला यहाँ पर होती है। तो ये लीला जानना जरूरी है। दूसरा, आपके लिए उसका रेफरेंस क्या है कि हम सब लोग ऊपर चढ़ने वाले हैं, मतलब किस पर चढ़ने वाले हैं, ब्रह्मा जी के ऊपर चढ़ने वाले। ब्रह्मा जी कौन है? वो तो सृष्टि के प्रथम नागरिक है, लेकिन हमारे संप्रदाय के प्रथम आचार्य है वो, हमारे ही नहीं जितने भी संप्रदाय हैं, सारे संप्रदाय उनमें एंड होते हैं, उसके बाद कृष्ण है। जैसे कि हमारे पूरे गंतव्य स्थान में सेकंड लाइन सेकंड लास्ट है, जैसे दादर से चर्चगेट जाना है तो मरीन लाइन सेकंड लास्ट स्टॉप है, सबको वहीं से गुजरना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी हमारे प्रथम आचार्य हैं सब संप्रदायों के। जैसे मेरे हमारे गुरु जो हैं उनके ऊपर चलेंगे क्या हम लोग? उनके चरणों के नीचे जाना चाहते हैं हम लोग, तो हमारे गुरु जी के 35 लेवल के बाद में ब्रह्मा जी हैं, उनके ऊपर कोई आचार्य नहीं है, स्वयं कृष्ण है स्ट्रेट उनके आगे, तो उन पर कैसे हम चढ़ सकते हैं? लेकिन फिर भी चढ़ने की अनुमति है, लेकिन आपको याद रखना है
कि उबर कोई भी एंजॉयमेंट करने को जाना नहीं आपको। अरे अच्छा उधर धाम बिहारी के बाजू में पकौड़े भी अच्छे पकौड़े मिलते हैं, बहुत बढ़िया लस्सी भी बनती है, वो भी हमको लेना है, ध्यान रखना भूलना नहीं, कितने भी भीड़ होगी। इस भाव से ऊपर नहीं जाना है, केवल राधा रानी के दर्शन करने के लिए ऊपर जाना है, लीला स्थलियों के दर्शन करने जाना है, वो लीला श्रवण करने के लिए जाना है, वहाँ की रज को मत्थे टके लगाने जाना है, दंडवत करने जाना है, नम्र भाव से जाना है, भक्तों को हेल्प करते करते जाना है, मुझे आगे करते नहीं, लोगों को हेल्प करते करते, सबको सहायता करते करते, नम्र भाव से, सेवा भाव से जाना है, और कोई इंद्रिय भोग नहीं करना है, प्यास लगी जल पीजिए और कोई काम मत कीजिए, फोकस राधा रानी पे रखिए, तो आप ब्रह्मा जी के पर्वत पर चढ़ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। शिव जी के पर्वत पर जाएंगे कभी, आगे मौका मिलेगा नंदगांव में, तो वहां पर भी यही स्थिति होनी चाहिए। महादेव है वो, वह ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उनका पूजन करते हैं, कि वर्शिप सिम, पुत्र होने के बाद भी महादेव के रूप में ब्रह्मा स्वयं उनका पूजन करते हैं। कितनी बार पुराणों में और शास्त्रों में उसका वर्णन आता है, ब्रह्मा जी स्वयं शिव जी की पूजा कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं, तो वह भी यही भाव होना चाहिए। हर कदम पर जब हम चढ़ रहे हैं ये ध्यान होना चाहिए कि हम ब्रह्मा जी के ऊपर चढ़ रहे हैं, कोई भी टाइम पास की बातें, बेफजूल की बातें, प्रजल्प की बातें या वहाँ की बातें नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना है कि हम ब्रह्मा जी के सर पे चढ़ रहे हैं। आपको अगर सब बदला पता चलेगा कि आप नरेंद्र मोदी के सर पे चढ़ रहे हैं तो कितना सतर्क होंगे आप, बाप रे, वो तो एक अच्छे जीव हैं, बहुत आदरणीय हैं, लेकिन एक जीव है वो, पृथ्वी के राजा, पृथ्वी के भी नहीं भारत के प्रधानमंत्री है वो, तो ब्रह्मा जी कौन है, भक्त है भगवान के, परम भक्त, स्वयंभू, हाँ विष्णु के नाभि से अयोनिज जन्म है उनका, उनकी माता नहीं है, सब तुम्हें माता पिता तो हमें, वह सब कृष्ण है उनके से, महान जीव है वो। और वो महान जीव इसलिए नहीं है कि वो ब्रह्मा है और उनका पोजिशन इतना पावरफुल है, महान इसलिए कि वो परम भक्त है भगवान के, महाजनों में उनका नाम भी आता है, संप्रदाय भी उनसे आरंभ होते हैं। तो एक बात आपको मैं विनती करता हूँ कि इस बात को ध्यान रखना है, हो सकता है अभी वातावरण अच्छा है, आपका भाव भी अच्छा बनेगा, कुछ समय बाद धूप आएगी, कुछ समय बाद बहुत कष्ट होने लगेगा, तब सारा भाव भाव सब उड़ जाएगा इधर उधर से, तभी आपको मेंटेन करना है उसको। अब अच्छे मौसम में सब लोग अच्छी भक्ति कर सकते हैं, हाँ अच्छा है, लेकिन अच्छे समय पर अच्छी भक्ति करने पर ऐसा अभ्यास करना है कि बुरे समय में भी अच्छी भक्ति कर सकते हैं, कष्ट में भी कर सकते हैं, परेशानी में भी कर सकते हैं, डिस्टर्ब नहीं होने की जरूरत है। तो आगे होगा, अभी बहुत गर्मी धूप शुरू हो जाएगी जब तक हम चढ़ेंगे, सबको ध्यान रखना है इस बात का। और ये श्री जी का धाम जो है वो इसको, इसमें सबको सहारा मिलता है। आप लोगों को लगता है कि हमने कुछ अपराध किए हैं, कुछ गलतियाँ की हैं, कुछ हम लोग कम हैं अपनी साधना में, भक्ति में, कुछ आगे बढ़ने का कष्ट हो रहा है हमको, वो सारे निवेदन यहाँ रखना राधा रानी के चरणों में, और हृदय से और आत्मा से राधा रानी के चरणों में अपने आप को समर्पित करना, आश्रय लेना, क्योंकि वो आश्रय विग्रह है। आश्रय विग्रह यानी सबको आश्रय देने की क्षमता उनके अंदर है। कृष्ण विषय विग्रह है, ऑब्जेक्ट ऑफ लव एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, जिनको जिनको जिन पर प्रेम करना चाहिए, वो प्रेम का विषय है, कि राधा रानी आश्रय का विषय, आश्रय का स्थान है, यहाँ तक कि कृष्ण भी उनका आश्रय लेते हैं। राधा रानी के चरणों में ना कई चिन्ह हैं, उस एक बाएं पैर में महल का चिन्ह है, महल का मतलब क्या है, बसेरा यानी स्टे, यानी स्टेइंग प्लेस, आश्रय, हम घर में क्या करते हैं, आश्रय लेते हैं, रहते हैं उधर जाके, तो राधा रानी के चरणों में ही वो चिन्ह है, वो सबका सहारा है, सबका सहारा है, यहाँ तक कि कृष्ण का भी सहारा वही है। तो हमारा भाग्य है कि हमको ये सब गुरु जी के द्वारा पता चला, कम से कम थियोरेटिकली क्यों ना हो पता चला, उन्होंने समझाया सुनाया, नहीं तो सब लोग वृंदावन आते हैं, बिहारी जी करते हैं, थोड़ा बहुत जमुना जी देखते हैं, गिरिराज जी परिक्रमा करते हैं, चले जाते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कृपा चाहिए, अभी तो ये भी फेमस हो गया है, बहुत भीड़ यहाँ पर भी होने लगी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना और राधा रानी की कृपा तक, चरणों तक पहुँचना, ये बहुत भाग्य की बात है। और 9 करोड़ लोग यहाँ पर आते हैं साल में, अभी तो पहले मैं कथा में 7 करोड़ बोलता था, अभी ये नंबर बढ़ गया क्योंकि कलयुग के प्रभाव से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो सब वृद्धि हो रही है, सब जगह धामों में तीर्थों में भीड़ बढ़ रही है, त्यौहार हो या ना हो हर जगह पर भीड़ बढ़ रही है।
वो लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, दीपक अर्पण करते हैं, दान देते हैं, चले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत ही गिने चुने लोगों को सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, यहाँ की सेवा करने का, जरूरतमंद सेवा करने का, राधा रानी को प्रसन्न करने की सेवा करने का मौका मिलता है। और उनमें से हम लोग भाग्यवान लोग हैं कि हमारे गुरु जी की ऐसी कृपा रही कि उन्होंने हमको यहीं पर सेवा करने का मौका दिया। तो थोड़ा सा मैं राधा रानी के पहले बातें बताऊंगा, बाद में बताऊंगा यहाँ की सेवा का क्या भाव है। तो यहाँ पर चार पर्वत बताए मैंने आपको, वो जो जहाँ मिलते हैं ना वो जगह, ऐसे पर्वत ऐसे आता है, ऐसे आता है, तो एक जगह बनती है जिसमें एक व्यक्ति एक टाइम पे एक ही दिशा में चल सकता है, एक व्यक्ति एक समय पर एक ही दिशा में जा सकता है, नो टू वे ट्रैफिक, क्योंकि जगह ही ऐसी है। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसको कहते हैं सांकरी कोर, सांकरी यानी छोटी सी, नैरो, कोर यानी रास्ता। तो उसका एक एंड बरसाने में, एक एंड उधर इस तरफ नंदगांव की तरफ है, तो वहाँ पर कृष्ण यहाँ से सुगाल बालों को लेके आते हैं और ऐसा डंडा लेकर, रुको आप यहाँ से नहीं जा सकते, आप हमारे एरिया से गुजर रहे हो, हम जानते हैं रोज आप मक्खन दही दूध लेकर जा रहे हो और बेचते हो, पैसा बनाते हो, हमारे एरिया से ट्रेसपासिंग करते हो, आज हम आपको नहीं जाने देंगे, आपको इसका टैक्स देना पड़ेगा। तो राधा रानी कहती है, नहीं ललिता जी, राधा रानी बहुत नम्र है, बहुत भोली वाली है बेचारी, वो ऐसे बीच में उनको वो सुबह बहुत मौन सौम्य और कोमल और दयालु ऐसा है, तो वो ऐसे आतंक होता है तभी वो ललिता जी सामने आ जाती है, शील्ड एकदम, वो वाम वाम स्वभाव की है, यानी कि कठोर स्वभाव की है, तेज कहते हैं यहाँ की भाषा में, बहुत तेज है वो। वो कहते हैं अरे कैसे तुम्हारी जगह ये, तुम्हारे बाबा जो है ना नंद बाबा, वो किराए का राजदंड लेकर घूम रहे हैं, हमारे राधा रानी के बाबा जो है वृषभानु बाबा, वो सब ब्रजमंडल के राजा थे और दोस्ती थी उनकी नंद महाराज के साथ, बड़ा प्रेम है अभी भी है, वो प्रेम के वश उन्होंने कुछ राजदंड का हिस्सा उनको भी दे दिया, भाई तू भी राजा बन जा, मेरा दोस्त है, नंदगांव का राज कर ले, और तुम किराए का राजकुमार यहाँ पर हमारे एरिया में आकर बोल रहे हो कि ये हमारी एरिया है, तुम यहाँ अपने एरिया हमारे एरिया में आए हो, तुमको सबको दंड देना चाहिए। बोलते हैं सब ये कुछ मैं जानता नहीं हो, किसने क्या किया पहले, अभी मैं राजकुमार हूँ। इस तरह से उनकी बहुत नोक झोंक चलती रहती है, और वो नोक झोंक चलती रहती है तो बहुत देर के बाद में वो नोक झोंक में कृष्ण को इंटरेस्ट कम हो जाता है, ले डंडा उठाते हैं और मटका फोड़ देते हैं तुरंत, आतंकवादी इसको कहते हैं, है ना, बात बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उनको, आतंक करने ज़्यादा इंटरेस्ट है। अभी बातें हो रही है, ऐसा डिस्कशन हो रहा है, गोपियाँ हावी हो रही है, कृष्ण को परास्त किया जा रहा है, तो उनको लगता है अभी नॉट पॉसिबल टॉलरेट एनी मोर, फोड़ देते हैं। अभी राधा रानी की मटके फोड़ देते, तुरंत मटकी गिर, राधा रानी बहुत रोने जैसे हो जाते, अरे मटका मेरा टूट के जमीन पे गिर गया ना, कीमती मक्खन, और ये लोग इतने क्या कहते हैं हमारी लोकल भाषा में चैप्टर लोग हैं ना, इतने तुरंत जाकर वो अपने हाथ से खाना शुरू कर देते हैं, हथेली से चाट रहे पूरा, और ब्रह्मा जी वहाँ पिघल रहे हैं सब देख के, तो हथेली के निशान भी वहाँ पैदा हो गए, जहाँ मटका गिर के फूटा ना वहाँ पर भी अभी भी चिकनी जमीन है, मतलब आप खड़े रहेंगे ना तो फिसल सकते हैं आज भी, तो वहां पर अनंत लीला होती है, दान लीला, कृष्ण कभी जोर जबरदस्ती कभी बिनती, कहते ना साम दाम दंड भेद, जो भी चलेगा वैसे मक्खन मिलना चाहिए बस, मूड देख के करते हैं, कभी हार जाते हैं तो राधा रानी और गोपियां कृष्ण और ग्वाल बालों को ना बांध देते हैं, उनकी चोटियों को पेड़ पे बांध देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं उनको, फिर कृष्ण और राधा रानी, कृष्ण और बलराम जी और ग्वाल बाल सब पुकारते हैं बचाओ बचाओ। तो वहाँ पर एक बार ना गुरुजी ने कथा किया और वो कथा ऐसा रोक दिया बीच में कि बोल रहे हैं कि सब ग्वाल बाल पुकार रहे हैं कृष्ण बलराम बचा लो, कृष्ण बलराम बचा लो, ये तो कॉमन है, मेरे कोई अरिष्टासुर आया, केशी आया, कोई पुतना है, जो भी आया, सब लोग कृष्ण बलराम कहो, कृष्ण कृष्ण महाभाव बचाओ, तो सब लोग पुकार रहे हैं, उम्मीद क्या है कि हम अरेस्ट हो गए, अभी हमारे सरदार आएंगे और हमको छोड़ देंगे, है ना, रिहा कर देंगे। कुछ देर के बाद में दो आवाजें आई, हे सुबल, हे विशाल, हे अर्जुन बचा लो।
अरे बाबा ये किसकी आवाज है, तो कृष्ण बलराम की आवाज है, हम उनको पुकार रहे, वो हमको पुकार रहे, बचाएगा कौन किसको। तो यहाँ पर महाराज ने कथा रोक ली, बोले हम लोग अभी आगे चलते हैं, और नीचे उतार दिया पूरा। हमको प्रश्न पूछा, बताओ यहाँ पर कृष्ण बलराम क्यों पुकार रहे हैं, सब जगह पुकारते ही सारा करते हैं, वृंदावन धाम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भी वृंदावन धाम के अंदर है, तो यहाँ पर कृष्ण बलराम क्यों पुकार रहे हैं, तो किसको मालूम है वो रहस्य के बाद। तो बहुत सबको पूछ के उत्तर नहीं मिला, तो महाराज ने बताया कि राधा रानी के प्रेम के सामने यहाँ कृष्ण बलराम भी असहाय हो जाते हैं और पुकारने लगते हैं। तो सभी लोगों की आवाज बचाओ बचाओ करके आई, तो फिर ललिता जी वापस आई, बोली एक ही कंडीशन पे आपको छोड़ेंगे, कल तुम्हारा सरदार जो है ना, वो तो अपने आप को होशियार समझता है, उसको गोपी बन के आना है सर पे मटका लेके, और तुम सारे जितने इतराते हो ना ग्वाल बाल, सबको गोपी बन के आना है, अपने घर से अपनी मैया से बढ़िया मटका भर के दूध दही मक्खन घी सब ले आना है, और हम सब लोग डंडा लेके ग्वाल बाल बनकर आएंगे, और हम आपका मटका तोड़ेंगे, हम आपसे टैक्स लेंगे, ठीक है, अभी क्या करेंगे। हाँ बोल दिया उन्होंने, अगले दिन कृष्ण गोपी बनकर आएंगे। सब लोग सज धज के श्रृंगार करके मटके लेके बरादर डोल डोल के आए, उधर से बरसाने की और राधा रानी सब ग्वाल बाल बन के आए, वही नोक झोंक बहस हुई, फिर राधा रानी ललिता सब उन्होंने मटके फोड़े खाए। तो उसमें जब अरेस्ट किया था ना कृष्ण को, तो वो यहाँ पर कैसे अरेस्ट करते हैं पता है, गोपियाँ दोनों हाथ पीछे ऐसा मोड़ के बांध देते हैं, ऐसा पूरा ट्विस्ट करके, आपके पेशेंट बन जाते हैं फिर वो, ऐसा ट्विस्ट करेंगे तो कुछ लिगामेंट टेयर या कुछ रिस्ट ब्रेक कुछ हो सकता है ना, अब क्या करेंगे, सर्जन पीछे बाजू में बैठा है तो वही याद आता है मुझे, संघ का परिणाम है वो। तो वो ऐसे बांध देते उनको, और क्या करते हैं पता है, तुरंत वो फेटा खींच लेते हैं। फेटा क्या है ना, वो एक आदर का चिन्ह है, किसी का भी फेटा पटका होता है ना गले में, वो एक सम्मान का चिन्ह है, उसको छीन लेते हैं वो। तो इनका फेटा छीन लिया, पटका छीन लिया, तो वो लंबा होता है ना बहुत, तो ऐसा खींच के जा रहा है, उसको भी ले जा रहे हैं, तो उसके पीछे वो जमीन पे लगते जा रहे हैं, और क्या हो रहा है, ब्रह्मा जी पिघल रहे ना उधर लीला देख के, तो वो पेटे का भी चिन्ह वहाँ पर निकल जाता है, उधर भी है। एनीवेज वहाँ पर आपको लेके जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि 400 लोग एक समय पर एक दिशा में एक व्यक्ति चलेगा तो एक दिन पूरा सांकरिक ओर की यात्रा हो जाएगी, ओनली सांकरिक ओर। वो सांकरिक ओर जगह जो है ना, वहाँ पर कृष्ण भगवान रोज आकर उस रास्ते को फूलों से सजाते हैं, ताकि राधा रानी वहाँ से आएगी, क्योंकि वहाँ से आगे गैबर वन है, उसकी भी कथा बताऊँगा आपको। तो वहाँ से पूरा फूलों से पंखुड़ियों से पू केसरों से बनाकर वो इतना इतना मोटा रास्ता बनाते हैं घैबर बन तक, ताकि राधा रानी को वो पथरीले रास्ते पर चलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे होती नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी राधा रानी गोपियाँ कृष्ण चरण रखते हैं ना, वहाँ पर ब्रह्मा जी पूरा एकदम मक्खन जैसा मुलायम हो जाते हैं, नो हार्डनेस इज फेल्ट बाय एनीबडी। और बाद में वो फूलों के नीचे कृष्ण से भगवान स्वयं सो जाते हैं अंधेरे के समय, क्योंकि गैबरमन की लीला रात को होती है ना अंधेरे में, तो आना जाना उसके बाद रात में होता है, तो वहाँ से गुजरते हैं, तो वो अंधेरा होते ही उसके नीचे जाके सो जाते हैं, ऊपर अपने फूल डाल देते हैं, ताकि राधा रानी मुझ पर चले और उनकी चरणों का प्रसाद मुझे प्राप्त हो जाए। राधा रानी हमें चलते चलते आ रही है, अचानक कुछ लगता है पैर में, तो देखते हैं तो श्याम सुंदर जी लेटे हुए हैं, तो तुरंत उनको उठा कर गले लगाते, अरे क्यों ऐसे कर रहे हो, फिर उसमें कहते आपके चरणों की कृपा चाहिए थी इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। अपने हाथों से वो गैबर बन को सजाते हैं कृष्ण स्वयं एडवांस में जाकर, फिर जाकर खुद का मेकअप करके फिर दूल्हा बन के आते हैं। यू नो लीला तो करनी है, सज धज के आना है, लेकिन कृष्ण पहले जाकर वहाँ पर पूरा सेटिंग गोपियों के साथ करते हैं, फिर जाते हैं श्रृंगार करके फिर दोनों को ले साथ में लेके आते हैं। तो ये गैबर बन क्या है, ये गैबर बन जो है ये श्री जी के मंदिर से लेकर पूरे चार पर्वतों को क्रॉस करके चिकसोली गांव चित्रा सखी का गांव है, वहाँ के एंड तक जो जितना भी वन है उसको गैबर बन कहते हैं। नाम से आप समझ सकते हैं गैबर मतलब क्या, भावनाओं का अतिरेक, एक्सटसी, मराठी में भी गहिवर, तो मनुष्य गहिवरला म्हणजे उसके भाव जागृत हो गए, रोमांच खड़े हो गए, अश्रु बह गए, कंप हो गया, उसको गहिवर कहते हैं। तो ये गैबर बन है, इसकी विशेषता ये कि ये बहुत प्राइवेट और अति प्राइवेट एरिया है,
जहाँ पर अति अति उत्कट अंतरंग लीलाएं भगवान की होती है। और ये गैवर बन का जो निर्माण है वो अपने हाथों से राधा रानी ने किया, यानी अपने हाथों से पेड़ पौधे लता पता सब लगाए वहाँ पर, लता बेली ध्रुम जितने भी है वो सब राधा रानी ने लगाए, उनका सिंचन किया है, उनको बढ़ाया है, उनको मेंटेन किया है, उनको डेकोरेट किया है। बचपन में राधा रानी लता पताओं और वेलियों का विवाह कृष्ण के पेड़ के साथ में गैवर बन में करते थे, कृष्ण पेड़ की ओर से बड़े वृक्ष दूल्हा और लता पता वेली जो है वो दुल्हने और वो राधा रानी गोपियां वो मिलकर उनका विवाह करते थे। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं वहां पर, वो भी वो निवृत्त निकुंज यानी वहां पर केवल राधा और कृष्ण ही प्रवेश करते हैं। प्यारी जू आगे चल गहवर बन भीतर जहाँ बोले कोयल रे, प्यारी जू आगे चल गहवर बन भीतर। ऐसे लीला है कि कृष्ण वहाँ पर वो सारी व्यवस्था जो है ना वो कमान में है, वहाँ पर कमनीय व्यवस्था है, एवरीथिंग इज लाइक दिस, उसमें से बेलियाँ ऐसे बहते रहती है कॉन्स्टेंटली, रंग बिरंगी बेलियाँ जो सुगंधित फूलों को लेकर ऐसे बहती रहती है, फ्लो ऑल फ्लोइंग ऑन द ग्राउंड। तो कृष्ण क्या करते हैं, एक हाथ से श्रृंगार किए हुए राधा रानी को लेकर अंदर आते हैं और बाएं हाथ से लता बेली द्रुम को सवारा करेंगे, सब सवारते सवारते रास्ता बनाते बनाते ऐसे गोल 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 करके राधा रानी को अंदर ले जाते हैं और वहाँ पर अंदर लीला होती है। ऐसा गैवर बन जो है ना बहुत सुंदर स्थान है, जो ये पूरे बरसाने का हृदय है चार पर्वत बहुत सारे कुंड, लेकिन सबके सब ये सब गैवर बन के अंदर है और वहां पर भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। ये जगह जो है बरसाना और उसके आगे नंदगांव और जावट कोकिलावन, खास करके उसमें से भी बरसाना, इतनी उत्कट जगह है और यहाँ पर ऐसी लीलाएं होती है कि मेरा मन तो कल भी कर रहा था कि एक दिन में जाकर क्या दिखाऊं और क्या सुनाऊं, तो ऐसा विचार मन में आ रहा था कि 3 से 4 दिन की यात्रा केवल बरसाने में ही होनी चाहिए, ओनली इन बरसाना, एक एक जगह जाकर पूरी लीलाओं को सुनना चाहिए बहुत ध्यान से प्रेम से, इधर ही रहना चाहिए, इधर ही एक ही जगह पर, ना बस की ज़रूरत है ना कुछ की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही जगह रहो प्रसाद पाओ अलग अलग जगह पर जाओ। आप संकल्प करो राधा रानी को करेंगे एक दिन 3 दिन की शॉर्टकट यात्रा एकदम मस्त, क्योंकि क्या होता है ना कि वो हर टाइम मुझे ना वो संक्षेप 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 करने को बहुत बोर हो जाता है ये कथा भी शॉर्ट में बताऊंगा, ये भी बताऊंगा शॉर्ट, सब बताने की इच्छा हो रही है। तो ये लीलाएं इतनी उत्कट है कि उसके बीच में ना राक्षस नहीं आ सकता है। अभी आप मटका तोड़ने का काम चल रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि ये किराए का राजदंड लेके घूम रहे हो, बोल रहे नहीं नहीं मेरा राजदंड है, ये सब कुछ ऐसे चल रहा है, उसके बीच में हा 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 कि मैं केशी आ रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज इट्स लाइक रसाबास है ना पूरा इसके अंदर। तो राधा रानी का प्रभाव ऐसा है ना, कृष्ण से तो कंस जो है ना वो उखड़ा हुआ है, तो हर रोज किसी को भेजता है उसको मारने के लिए, मतलब इतनी तो हिम्मत उसके अंदर है, रोज किसी को ओरियंट करके भेज रहा है। राजा रानी का ऐसा प्रभाव है, देखो आप सोचो इसके बारे में, हाँ सब लोग शास्त्र में लिखा है कि भयात कंसात, भय के माध्यम से कंस ने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है ना, द्वेष्याद चेद्यः यानी वो शिशुपाल द्वेष के माध्यम से भगवान की, कामात गोप्यः काम मतलब वैसे भावना से कृष्ण की प्राप्ति की, लेकिन कंस को भयात कहा है कि भय से उन्होंने कृष्ण की, भय से कृष्ण का चिंतन करते करते आखिर कृष्ण की प्राप्ति हो गई। लेकिन वास्तव में रहस्य यह है कि कृष्ण से भी अधिक वो राधा रानी से भयभीत था, इसका मैं प्रूफ बताऊंगा आपको। समझो आप किसी से भयभीत हो, उस पर हमला करने का साहस करोगे आप, अरे डरे हुए तो कैसे हमला करेंगे उसके ऊपर, लेकिन वो तो रोज हमला कर रहे हैं, फाइनली खुद भी सामने आया उनके कुछ षड्यंत्र बना के, लेकिन वो कंस जो है वो कृष्ण को मारने के लिए एक दिन स्वयं यहाँ पर आया था, क्योंकि वो लोग शिफ्ट कर गए ना, यहाँ से शिफ्ट करके चले गए, कहाँ से गोकुल से इधर आ गए रहने के लिए, तो जो रोज जाते थे ना मारने के लिए वो बोले कोई है ही नहीं वहाँ पर, किसको मारें, वापस गया। फिर कंस को बताया तो उसने सेनापति को भेज दिया, वो ढूंढे ढूंढे गया तो नंदगांव में उनको कृष्ण बलराम मिले, तो नंदगांव में एक शांडिल्य मुनि है, उनको एक शाप उन्होंने दिया था राक्षसों को, वो राक्षस लोग है ना, वो उन्होंने वो कृष्ण के जो ग्रैंडफादर है ना परजन्य महाराज,
उनको भी डिस्टर्ब किया था। किसने? केशी दिमन ने। उधर एक प्रेम तड़ाक तीर्थ है, क्षुण्ण हरि कुंड कहते उसको, वहां पर प्रजन ने महाराज तप करते थे, वहां पर केशी ने आके आतंक मचा दिया, तो वो छोड़ के फिर जमुना जी के किनारे गोकुल में चले, तो वहां पर राज्य बसाया हमने। तो शांडिल्य मुनि यहाँ के रेसिडेंट गुरु हैं, तो उन्होंने श्राप दे के रखा था कि कोई यहाँ पर आएगा ना पत्थर बन जाएगा। तो लोग बेचारे पहुंच गए वहां पर, और कृष्ण बलराम को ऐसे पकड़ने गए तो उधर पत्थर हो गए, उनको भी समझ में नहीं क्या हो गया था। लेकिन संतों का श्राप है ना बहुत शक्तिशाली होता है, कभी संतों को अपराध नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना कि इस समय पर क्या बाजी चलाएंगे और क्या हमारा पटक देंगे समझ में नहीं आएगा। तो पत्थर हो गए, तो भी लौट के नहीं आए, तो कंस खुद काले घोड़े पर बैठकर यहाँ पर आया। तो कैसा अभी भी देखो, रस्ते में पहले बरसाने आता है फिर नंदगांव आएगा। उधर एक भानुकर नाम की जगह है, वो बहुत बड़ा कुंड है कृष्णानु महाराज का, वहाँ पर राधा रानी जो है अपने सखियों के साथ स्नान कर रही थी, पिताजी का कुंड है प्राइवेट। तो कंस वहाँ पर आया ना, अरे आते ही काले घोड़े पर बैठकर घूर रहा है इधर उधर। काले घोड़े पर बैठा हुआ इतना खूंखार पहलवान, शक्तिशाली दिग्विजयी चक्रवर्ती सम्राट कन्या बन गया, बिकेम लेडी। देखो मैं कथा कर रहा हूँ, सब देख रहे कि मैं पुरुष हूँ बैठा हूँ, अचानक मैं स्त्री बन गया, सबको समझ में आएगा अरे प्रभु जी माता जी बन गए तुरंत। अब मुझे भी समझ में आएगा, मैं तो कथा कर रहा हूँ लेकिन गड़बड़ हो रहा है बीच में। तो उनको कंस को पता चला कि मैं कन्या बन गया, और सब गोपियों को पहले पता चला उधर कुंड में स्नान करते हुए, तालियां बजाने लगी वहां पर। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। तो अभी उसका समस्या कैसे हो गया, उसको ना वापस जाना, क्योंकि तो वापस जाए जहां पर वो जाता है रहता है वहां पर वो चक्रवर्ती सम्राट है, शक्तिशाली पुरुष है, सभी दुनिया भर के राक्षसों को वश में करके रखा है, महान राक्षस अरिष्टासुर त्रिणावर्त ऐसे भयंकर राक्षस, इतनी रो इतना रोब है उसका, इशारे पे सब नाचते हैं उसके। तो वहां लौट के जाएगा, बोले महाराज क्या हो गया आपको। तो वहां पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं है, और यहाँ पर अभी सब गोपियाँ जो है वो ग्वालिनी है, वो गाय का दूध निकालती है, गोबर गोमूत्र में खेलती रहती है, वो अभी ताली पीट के हंस रही है उनको, बोल चक्रवर्ती महाराज हमारे, हम उनको कर चुकाते हैं, वो टैक्स देने वाले राजा देखो कैसे यहाँ पर कन्या हो गए, कंस नहीं गोपी हो गए वो। तो गोपियों ने कहा, कहा कंस नहीं गोपी नहीं मैंने कहा उनको, उन्होंने कहा ए मोटल्ले गोपी, मजबूत थे ना वो, ए मोटल्ली गोपी चल आ जा, चल कंडे बना दे तेरा शरीर थोड़ा कम हो जाएगा। अभी वो थोड़ी सी और लंबी कहानी है लेकिन मैं आपको छोटी बताता हूँ। अरे वो बीच में बताया क्या हो गया, कंस तो कंसनी बन ही गया, घोड़ा भी बेचारा घोड़ी बन गया। संघ का परिणाम है ना, जिसके संग में रहोगे वैसा ही रंग आएगा, क्या करेगा उसको, संग ढूंढो अच्छा हमेशा, भक्तों के अंदर भी ऐसा संग ढूंढो जो आपका मन हमेशा कृष्ण पर बनाए रखेगा या रखेगी, सबके साथ मत डोलो। तो उधर टिक्की भी देख रहे हैं और लस्सी भी देख रहे हैं, पकौड़े भी देख रहे हैं, थोड़ा बहुत हरे कृष्णा करके राधे राधे करके दूर रहना, जो राधे राधे हमेशा कर रहे हैं उनके पास रहना। हाँ ये भी थोड़ा सा युक्ति वाला काम है। तो घोड़ी बन गई तो भी बेचारे परेशान। 6 महीने गोपियों ने तालियां पीट पीट कर हंस हंस कर हास परियास मजाक करते 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 कंस से कंडे लिपवाए। और कंडे लिपा का मतलब क्या होता है, एक तो गोबर गोमूत्र इकट्ठा करना होता है, गौशाला को साफ करना होता है, उसको इकट्ठा करके फिर वो उसको, आपने किया है कभी, बहुत अच्छा काम है, बहुत सुंदर काम होता है, उसको गोला बना के उसको फर्स्ट क्लास पर्वत पे पेड़ पे ऐसे सब लगाना होता है, फिर दिन भर उसको सुखाना होता है, फिर रात को शाम को आके इकट्ठा करना होता है टोकरी में डाल के, फिर घर जाके उधर एक एक मस्त कमरा बनता है उसका, जो भी सुंदर डिजाइन से बनता है गोबर का ही, उसके अंदर उसको जमा कर देते हैं। ये पूरा काम को गोबर के कंडे बनाना बोलता है, खाली बना के छोड़ना नहीं है, एंड तक पूरा साइकिल पूरा करना है। रो रो कर कंस ने 6 महीने कंडे लिपे। उसके बाद ना वो रोते हर गोपी को बोलते क्या अवस्था हो गई, कुछ करो कुछ करो, तो वो सब लोग और ज्यादा ताली पीट रहे हैं। तो उसके बाद में राधा रानी विश्वानु महाराज को लेकर छोटी सी लाली किशोरी आई, तो ये उन्होंने कहा राधा रानी हमारी मालकिन है। तो कंस महाराज जो आए दिन हर रोज एक एक खूंखार राक्षस को कृष्ण को मारने के लिए भेज रहे हैं, इतनी मस्ती थी उसके अंदर, वो ना दंडवत प्रणाम किया उसने राधा रानी को, इतना बड़ा राक्षस इतनी छोटी सी लाली को दंडवत प्रणाम किया।
और गिड़गिड़ाया और रोया, बोलते हैं बचाओ मुझे बचाओ। तो ब्रजवानु महाराज अभी राजा है ना, वो इनको कर चुका थे, उनको पता है कि ये मेरे कर चुकाने वाले राजा है, जाना ही पड़ता है नंद महाराज के साथ, और ये मेरे बेटे के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहे हैं, तो मुझे जरा सावधानी से काम करना चाहिए। कहते बेटी मेरे राजा हैं, कर दो माफ कर दो उसको। तो राधा रानी उंगली उठाई, बोली याद रखना दोबारा यहाँ आओगे तो परमानेंट कन्या बनोगे, अभी आपको रिहा कर देती हूँ। तभी वो जावट में थी अपने ससुराल में, वहाँ पर किशोरी कुंड है, वहाँ पर वो स्नान करती हैं। तो कहती है मेरा कुंड है, यहाँ पर स्नान करो। तो बोला नहीं, वो अपने घोड़ी को भी ले गया है साथ में, छलांग लगाई कैसा है ना, वो अपना गाड़ी, अपना ड्राइवर, अपना सर्वेंट, अपना कुक, वो सब हम लोग याद रखते हैं, बेचारी सेवा करते हैं तो याद रखना पड़ता है। तो घोड़ा बेचारा वहाँ से आ लेके आया, वापस कौन लेके जाएगा, वही लेके जाएगा ना, तो घोड़ी घोड़ा बनेगा तो जल्दी लेके जाएगा। तो उसको लेके छलांग लगाई और तुरंत वो पुरुष बन गया, और पुरुष बनने के बाद में वो घोड़े को लेकर टांग पे लग कर जो भागा सीधे मथुरा तक, वो पीछे मुड़के भी नहीं देखा। क्यों? अगर पीछे मुड़ के देखा और स्वामी ने का दिल बदल गया तो समझो अभी, अरे अरे वेट वेट वेट, कम बैक, कन्या बन जाओ वापस, ऐसा हो गया तो इसलिए चांस लेना नहीं चाहिए। इसलिए वो जो भागा मथुरा तक दोबारा लौट के नहीं आया कभी, तो वादा किया ना मैं ना मेरा कोई आदमी यहाँ पर आएगा। अभी बताओ डरता किससे अधिक है, वो राधा रानी से। राधा रानी ने कुछ नहीं किया, वो अपना स्नान कर रही है, वो कुछ नहीं कर रही है, शाप दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रही है। उसके राज्य में प्रवेश किया, उसकी औरा में प्रवेश किया, उसके प्रभाव में प्रवेश किया, आते ही स्त्री बन गया वो। कृष्ण ने तो बहुत मुक्का मारा, किसी के मुंह में हाथ डाला, किसी को कुछ किया, किसी को घड़ा दबाया, किसी का स्तनाग्र चूसा, क्या क्या किया। मैंने कृष्ण ने बहुत मेहनत किया, विजयी हुआ जरूर, लेकिन कृष्ण ने अपनी तरफ से मेहनत भी किया है। राधा रानी ने कुछ मेहनत भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, अपना आनंद ले रही है वो। और केवल उसके होने से, उसके क्षेत्र में प्रवेश करने से कंस जैसे दिग्विजय सम्राट की ये अवस्था हो गई। देखो मेरे को बहुत मोह हो रहा है अभी, लेकिन गर्ग संहिता मैंने कई अध्याय दिए हैं कंस के पराक्रम के। गर्ग मुनि ने कई अध्याय लिखे, व्हाट कंसा वाज एंड व्हाट वाज हिज पावर, वो व्यक्ति को ना ऐसा क्या बना हो, क्या बना दिया उसको। देखो वो राधा रानी का प्रताप है। और ये कथा भी एक जगह बताई गई है, गोवर्धन लीला होने के बाद में ब्रजवासियों की रोज चर्चा होती थी, उसमें ये कथा बताई गई है। वो बहुत गुस्सा हो गए थे नंद महाराज के ऊपर, कह रहे हमको बताया नहीं तुमने नामकरण किया उनका वगैरह। तो बोले ये अपने को बोलता है कि हमारा बिरादरी का है, राजा है, ये वो सब सब छूट बातें, इसको निकाल देंगे हम लोग। तो ब्रजवानु महाराज खड़े हो गए, अरे नहीं नहीं नहीं, वो समझो आप उनकी डिफिकल्टी थी उस समय, क्या आप समझा करो ना, आप बिरादरी के लोगों तो समझो उनकी कठिनाई क्या थी। वो चाहते थे बुलाना आपका, लेकिन आपको नहीं बुला पाए नामकरण में, वो स्थिति ऐसी थी कंस के भय से। तो बोलते ये ब्रजवानु उसका पक्ष लेता है, उसको भी निकाल दो, तो बहुत सीरियस मामला हो गया ना। तो तीसरा एक ग्रुप खड़ा हो गया, अरे ऐसा मत बोलना, ये ब्रजवानु महाराज की कन्या जो है ना महाप्रतापी है, उसके महाप्रताप के वजह से तुम लोग यहाँ पर जी रहे हो आराम से, कोई राक्षस नहीं आ रहा है। तब उन्होंने ये कहानी बताई जो मैंने आपको बताई, तब सब शांत हो गए। ब्रजवानु बाबा नंदवानु को गले मिले, बोले क्षमा करो, सब घर चले गए। तो ये महाप्रताप है राजा रानी का, कुछ भी किए बिना अस्तित्व ही महाप्रताप है, और उस अस्तित्व महाप्रताप ही राधा रानी के धाम में आप आए हो। तो समझना जरूरी है कि हम कहाँ पर आए हैं। कोई असुविधा होगी, कष्ट होगा तो डोंट वरी, बस कृपा बटोर लो, आंचल पसार कर, हे बिदना तो ये आंचल पसारूं, आई वांट योर डिवोशन, मैं कृष्ण से प्रेम करना चाहता हूँ, तो सेवा करना चाहता हूँ, माया पर बहुत जन्मों तक मैं प्रेम कर चुका, अभी मैं नहीं करना चाहता। तो बहुत सारे स्थान हैं, अभी एक साथ सब बता सकते नहीं, लेकिन गिना तो सकते हैं कम से कम। एक दोहनी कुंड है जहाँ पर ब्रजवानु महाराज की लाखों गायों का दूध दोहन किया जाता है। एक बिहार कुंड है जिसका नाम गौरी कुंड भी है, माहेश्वरी सर भी है, जहाँ पर गौरी देवी ने, पार्वती देवी ने अपने पति देव को गोपी बनाया था, श्रृंगार किया था। एक गैवर कुंड है जहाँ पर आदरणीय अपने गिने चुने 64 सखियों के साथ स्नान करती है, वहाँ पर हम जाएंगे। मान मंदिर है जहाँ पर राधा रानी रूठती है। एक पीली पोखर है जहाँ पर शाम को जाएंगे, वहाँ पर राधा रानी ने हाथ धोए थे हल्दी के, वो पीला हो गया था।
एक प्रेम सरोवर है जहाँ पर राधा रानी और कृष्ण के नेत्रों से जो आंसू बहे प्रेम के, उसका कुंड बना। ऐसे बहुत बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। भानुकर की कथा मैंने बता दी, भानुकर पे तो कंस आए और गोपी बन गए। उसमें एक लास्ट बात बताना चाहता हूँ कि जो गोपियां हर रोज प्रेम से, आंखों से प्रेम के अश्रु बहाते हुए प्रेम से संपृक्त होकर काम करते थे, वही काम कंस कर रहा था। कोई डिफरेंट कर रहा था क्या? वही मंथन कर रहे हैं, भी मंथन कर रहा है, भी गौशाला साफ कर रहे हैं, वो भी गौशाला साफ कर रहे हैं, ये भी कंडे बना रहे हैं, वो भी कंडे बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब काम उसको अकेले को दे दिया, खुद बैठ गए, वो भी अपना काम कर रहे हैं, इसको भी काम दे रहे हैं। लेकिन 6 महीने कम सरो ही रहा है और 6 महीने और क्या 6,000 साल भी वो आनंद से अपना काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चेतना में अंतर है। उसको तो एक झटके में प्रवेश करते ही परम सिद्धि गोपी होने का लाभ मिला था। तो महाप्रभु कहते हैं गोपी भरत और पदकमल और दास दास अनुदास, ये साक्षात गोपी बनने का ही भाग्य मिला उसको, ऐसा इंस्टेंटली। कोई तपस्या नहीं, साधना नहीं, कुछ नहीं, तो शुड बी हैप्पी ना। लेकिन ज्ञान किधर है, नॉलेज किधर है, ये क्या मिल रहा है? इसलिए हमको भी अगर नॉलेज नहीं रहेगा और कुछ कोई दे गया तो बच्चा कैसे, बच्चे के हाथ में कोहिनूर हीरा दे दिया तो वो गेंद खेलेगा उसके साथ, और तो दिया तो वो साबुन की तरह उसको इस्तेमाल करेंगे। नॉलेज चाहिए ना, क्या मिला आपको, तब उसको कबर्ड में रखेंगे, लॉकर के अंदर। उसी प्रकार से कंस को परम सिद्धि बरसाने में आते ही इंस्टेंटली प्राप्त हो गई थी, लेकिन मति उसकी भ्रष्ट थी, इसलिए परम सिद्धि प्राप्त होने पश्चात भी रोता ही रहा, रोता ही रहा। उस परम सिद्धि से मुक्त होने के लिए याचना करता रहा और फिर मुक्त भी हो गया उससे, और फिर वो मथुरा में कंस के, कृष्ण के हाथों मर गया। जो प्रेम भक्ति मिलना चाहिए थी उसको मिल सकती थी, वो मुक्ति, मतलब वो मुक्ति प्राप्त किया, कृष्ण के हाथ से मुक्का मार के मरना पड़ा उसको। तो कृष्ण आप अगर यहाँ गोपी भाव में अच्छे रहते तो कृष्ण आके गले लगाते उसको, है कि नहीं, सब गोपियों को गले लगाते। तो ये जरूर समझना, हमारे अंदर भी कंस बैठा हुआ है जो कृष्ण से द्वेष करता है, जो कृष्ण से विद्रोह करता है, कृष्ण से कम्पीट करता है इंद्रिय भोग के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे बड़ी बात क्या है, चेतना को बदलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भेष बदलने से कुछ नहीं होता है, डाकू भी ये धोती कुर्ता पहन सकता है, तिलक लगा सकता है, पूरा सर मुंडवा के चोटी रख सकता है लंबी एकदम 6 महीने तक, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। जब तक ये तिलक हृदय पे नहीं लगता है ना, तब तक ये सारा चीज बेकार है। तो ये साधना करने से हृदय की शुद्धि होती है, तब जाकर ये कृपा का भी महत्व पता लगता है। हरे कृष्णा। तभी इस जगह का इतिहास बताता हूँ आपको, अभी आपको इधर लेके आया, इतना आया रज में बिठाया है, ये जब खुदाई किया ना इसका, बहुत सारी गोनी भर के रज जमा करके रखा है। ये बरसाने की प्योरेस्ट रज है, जमीन के अंदर 20 फीट के अंदर से गोनी भर के निकाल के रखा है। तो राधानाथ स्वामी महाराज 1971 में ब्रज में आए थे, भगवान को ढूंढते ढूंढते हिमालय में ढूंढा, सब जगह योगियों को मिले, करते 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 इधर आ गए, वृंदावन में घनश्याम बाबा से मिले। उन्होंने कहा बरसाने जाओ, रमेश बाबा से मिलो मान मंदिर पे। तो चलते 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 श्री जी का दर्शन करके मान मंदिर गए, वहाँ पर 6 महीना रहे। आप लोगों को दोबारा विनती करता हूँ, अनोखा सफ़र, त्रिशार्थ पथिक मराठी में, गुजराती में पेलू पारनू प्रवास और इंग्लिश में जर्नी होम, ये उनका आत्मचरित्र है, उसको जरूर वृंदावन से खरीदना और पढ़ना, यहाँ की लीला भी उसके अंदर है। तो 6 महीने में बहुत सारी घटनाएं हुई, कुछ समय नहीं बताने के लिए, लेकिन ऐसे ऐसे चमत्कार हुए कि राधानाथ स्वामी महाराज, रिचर्ड स्लेविन जो बालक थे, मतलब 19 साल के, वो जो जो ढूंढने के लिए आए थे वो उनको यहाँ प्राप्त हो गया। यहाँ के ब्रजवासी भी अभी भी हैं, वो भी 70-75 की ईयर्स के हो गए। तो वो बताते, वो भी उसमें जवान अवस्था में थे, 20-21-22 साल की उम्र में थे। वो मुझे उन्होंने पर्सनली बताया कि तभी वो यहाँ पर थे ना, तभी उनकी आंखों में एक खोज दिखाई पड़ती थी, खोज कि कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं। आज जब आते हैं तो उनकी आंखों में ये भाव है कि जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया उनको। अभी ये मैंने कह रहा हूँ, ये सच्चे दिल के ब्रजवासी बता रहे हैं, तो मैं एज इट इज एक्सेप्ट करता हूँ उस भाव को। तो यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत लीलाएं हुई हैं, और 6 महीने का निवास हुआ है वहाँ पर। पहाड़ पर कोई रहता नहीं था उस समय, केवल 4 लोग थे, एक हमारे रिचर्ड स्लेविन जी,
एक रमेश बाबा जी महाराज माँ के निवासी साधु, एक सखी शरण बाबा और एक गृहस्थ नीचे से आते थे मानपुर से, प्रकाश सिंह। अभी आज की तारीख में प्रकाश सिंह भी अभी अभी चले गए, एक महीना भी हो गया शायद, और सखी शरण बाबा भी कुछ साल पहले चले गए। रमेश बाबा जी अभी भी हैं 85 ईयर ओल्ड, और हमारे गुरुदेव अभी है। तो वो पहाड़ पर उधर कुछ टाइल वाइल कुछ था नहीं, अभी आप देखेंगे जाके सब टाइल्स वगैरह बढ़िया, आश्रम बहुत सुंदर बनाया है। वो तो बड़ा खंडहर था उस समय, वहाँ पर एक गुफा भी है, राधा रानी रूट कर वहाँ बैठती थी, तो वहाँ पर सोते थे। और वहाँ पर उनको जीवन के अमूल्य आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त हो गए। वो क्या है इसमें अभी एक पूरा लंबा विषय है, वो जो हमको भी प्राप्त करने हैं, जिसके लिए हम भी ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, खोडोल रहे हैं यहाँ पर। तो वहाँ से जब निकले ना, तो उनके मन में बड़ी कृतज्ञता की भावना कि मैं यहाँ से सब कुछ प्राप्त कर चुका हूँ, जिसको प्राप्त करने के लिए मैं अपना देश छोड़ा, शहर छोड़ा, और ऐसे उंगली दिखा के हिच हाइकिंग करके, क्या कहते हैं उसको, लिफ्ट लेके 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 6 महीने तक यात्रा करता रहा, और इंडिया आया, फिर यहाँ पर बहुत डोला, इधर उधर भागा, फिर मुझे यहाँ पर दिशा दिखाया गया, फिर मैं यहाँ पर आया और मुझे यहाँ पर वो प्राप्त हुआ जो मुझे चाहिए था, जो मेरे लिए अनुकूल था। तो उनको लगा कि मुझे इस जगह के लिए कुछ करना चाहिए, इसी जगह से मुझे दिव्य साक्षात्कार की प्राप्ति हुई है, तो प्रतिसाद में, रिस्पॉन्स में मुझे भी कुछ करना चाहिए। ये भाव था मन में, अच्छी भाव था, वो लेके चले गए। फिर उनकी प्रभुपाद जी की मुलाकात हुई, फिर उनको दीक्षा प्राप्त हुई, फिर वो अमेरिका चले गए, फिर वहीं रहे, और 15 साल उनको दोबारा आने का मौका नहीं मिला। लेकिन देखो, मैं आपको बार बार कहता हूँ ना, कि यहाँ पर आप कितना समय बिता रहे हैं, 8 दिन। 8 दिन में भी कुछ समय तो आप सो रहे हैं, कुछ समय खा रहे हैं, कुछ समय नहा धो रहे हैं, कुछ ही घंटे हम एक्चुअली स्पीकिंग डीप कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहने का प्रयास कर रहे हैं, सफर करते हुए, कथा सुनते हुए, देखते हुए, दर्शन करते हुए। तो 6 महीने का संग उनको जो प्राप्त हुआ, बाबा जी महाराज का भी हुआ, बरसाने का भी हुआ, जो कार्यकलाप था उसका भी हुआ, भजन का भी हुआ, जो भी हुआ, 15 साल उसमें वो केवल चिंतन और चिंतन और चिंतन करते रहे। बिकॉज चांस नहीं ना, अमेरिका 10,000 मील आगे पहाड़ पे सेवा करते थे न्यू वृंदावन में, तो 15 साल केवल चिंतन करते रहे कि जाना है वृंदावन, जाना है वृंदावन, जाने को नहीं मिल रहा है, जाने को नहीं मिल रहा है। 86 में हमको वापस लेके आए वो, क्योंकि 15 साल के बाद में उनको पहली बार मौका मिला, मैं और गिरिराज प्रभु हम लोग सब साथ में थे, है ना। तो हम लोगों को 22 लोगों को लेकर वो आए थे, पहली यात्रा उनकी एवर, फर्स्ट यात्रा, केवल 22 लोग थे, हम लोग थर्ड क्लास ट्रेन में से अनरिजर्व आए थे उसमें, सब लोग ऐसा एक दूसरे के ऊपर सोते हुए, स्लीपर के ऊपर से चलते हुए, टॉयलेट उतरते हुए, ऐसे हमने बहुत सर्कस किया, तभी हमारा शरीर भी युवा अवस्था में था, नो प्रॉब्लम। तो फिर यहाँ पर आए थे ना, तो यहाँ पर जब आए ना हम लोग, आखिरी में आए थे सब करते बाद, यहाँ आने के बाद जो दिल का तार छिड़ गया ना, वो आज भी छिड़ा ही हुआ है, स्टिल ट्वेंगिंग। हाँ, जो भी कुछ हुआ, जो अद्भुत दिव्य अनुभव, रोमांचकारी अनुभव प्राप्त हुए ना, मैं तो पूरा खो ही गया था, मैं पता नहीं कौन से विश्व में पहुंच गया था। महाराज मेरे बाजू में बैठे थे, और ये सब जो भय सुंदर कीर्तन समाप्त हुआ, तो महाराज मुझे खुद बोलते हैं, विश्वरूप यू आर इन एक्सटेसी टुडे। यस महाराज, बाय योर मर्सी यू आर नेक्स्ट टू मी एंड आई एम इन द मिडल ऑफ द ओशन। ऐसा बहुत अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ। फिर हम लोग आते रहे यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप में, कभी 20 कभी 25 करके। तो 89 में जब आए ना, तो तब तक हमारा मेडिकल कैंप बम्बई में शुरू हो गया था, और हम लोग वहाँ पर भी कैंप करते थे, आँखों का कैंप भी शुरू किया था हमने, 25 पेशेंट करते थे पालघर के गवर्नमेंट के अस्पताल में, 50-60 लोग को जाके करते थे, 7 दिन रहते थे, ऐसा सेवा का कार्य हमारा शुरू था। और फिर एक बार महाराज जी हमें ना झूलन यात्रा, जब भगवान झूलते हैं सावन भादों के महीने में, वो झूलन यात्रा में हमको लेके आए थे यात्रा में यहाँ पर। तो हम करते करते बरसाने में भी आ गए थे, और ऐसे क्या करते हो आप लोग, सब पूछताछ चल रही, तो उनको लग मालूम पड़ा कि हम लोग कैंप करते हैं, आँखों का कैंप भी शुरू किया है। तो वो किशोरी दीदी बोली, अरे यहाँ पर भी करो आँखों का कैंप, कितने लोग गंदे हो रहे हैं यहाँ पर भी सेवा करो। तो हमने सबने गुरु महाराज को देखा, तो उन्होंने कहा तुरंत, क्योंकि उनकी जो मन में वो इच्छा थी ना कि इस क्षेत्र के लिए कुछ कार्य होना चाहिए, उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया उसको। और तुरंत हाँ करते बिना कुछ साधन कुछ भी ना होते हुए उसी जनवरी में कैंप लगा 92 में, इमेजिन। और हम लोग ऐसे मुंबई वाले, मतलब जनवरी का मौसम बहुत बढ़िया रहता है, बस वातावरण अच्छा रहता है, और जनवरी में हमने कैंप फिक्स किया 15 जनवरी से 28 जनवरी तक, लगा कि अच्छा मौसम रहेगा। जब आए ना यहाँ पर हम लोग, तो फ्रीजिंग कोल्ड था, एकदम फ्रीजिंग, मतलब खाली बर्फ होना बाकी था बस,
उसमें हम लोग 68 लोग आए थे। अपने बालकृष्ण प्रभु भी किधर बैठे हैं? तो बालकृष्ण प्रभु भी दूसरे थे। हाँ, लेकिन अभी पहुंच गए, सब कुछ हो गया, वातावरण का आइडिया कुछ नहीं, पहली बार आ रहे हैं जनवरी में ऐसा। नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर्दी का, बाकी लोगों को होता है। तो कैंप किया हम लोग ने, और 25 वाले प्रैक्टिस करने वाले, 25 कैंप वाले हम लोग 185 ऑपरेशन किए सरकारी अस्पताल में। फिर वो सिलसिला चालू रहा, हर साल कैंप करते रहे। 185 के अगले साल 220 हो गए, फिर 280 हो गए, फिर 340 हो गए, फिर 480 हो गए। ऐसे करते 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 आज हम हमारे एनुअल कैंप में 1100 ऑपरेशन करते हैं, 16 घंटा ऑपरेशन करते हैं। और उसके ऑपरेशन की विशेषता ये है कि हम लोग केवल फिलैंथ्रोफी समाज सेवा नहीं करते हैं, हम लोग उसमें कीर्तन करते हैं 16 घंटे का। जब जिस क्षण में ऑपरेशन थिएटर शुरू होता है और 16 घंटे चलता है, 16 घंटे हम लोग उसके बाहर बैठ के कीर्तन करते हैं, ताकि ऑपरेशन करने वाले हाथों को दिव्य शक्ति प्राप्त हो, जिससे ब्रिजवासियों को नेत्र ज्योति प्राप्त हो। क्योंकि वो नेत्र ज्योति देख कर वो व्हाट्सएप और मोबाइल और फिल्म नहीं देखने वाले हैं, वो राधा रानी को देखने को भागने वाले हैं और पाठ करने वाले हैं अपना जो नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और अपने थाली में उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या खा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं, ऐसे क्या बेटा क्या दिया है, हाँ रोटी सब्जी ऐसे, हम इसको देख के पाएंगे प्रसाद ठाकुर जी का। तो ऐसे लोगों की सेवा करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो मुंबई में कोई तुरंत आँख आते ही तुरंत बने वो व्हाट्सएप किधर गया मेरा, वो फिल्म बहुत देखना रह गया मेरा, लाभ होगा आपको, लेकिन वो इतना नहीं होगा जितना इनका होगा। तो अभी 2005 में फिर ऐसा विचार आया कि अभी कितने दिन अब यहाँ वहाँ कैंप करेंगे। लोग हमेशा तड़पते थे, अरे आप जा रहे हो क्या, हमारा कब होगा, तो हमारा तो टिकट है कल। तो ऐसे हर कैंप में एंड में कुछ लोग, बहुत सारे लोग आते थे, हमारा तो मोतू मोतिया पक गया है, हमारा कब होगा। तो हम बोला अभी अगले साल आएंगे हम। हमने कहा ये एक एक साल का गैप अच्छा नहीं है। तो फिर 2005 में हमने जगह ढूंढना शुरू किया। वो भी एक बड़ी भाग्य की बात थी। वो जगह ढूंढने के चक्कर में ना मैंने नंदगांव बरसाना का चप्पा चप्पा छान लिया पूरा, एवरी सिंगल लैंड एंड एवरी सिंगल प्लेस एंड एवरी सिंगल नुक एंड कॉर्नर जाके मैंने निगोशिएट किया है। कहीं कहीं ऐसे जोरदार भाषण भी दिए मैंने, ऐसे एक बार तो ऐसे भाषण दिया था, क्या फायदा है मुझे यहाँ पर आकर, मैं मुंबई से आके यहाँ पर तड़प रहा हूँ और आप लोग मुझे जगह नहीं दे पा रहे हो, आप लोगों की सेवा करने आ रहा हूँ, ऐसा करके मैंने पैनावली गाँव में जोरदार लेक्चर दिया था मुझे अभी। तो उसमें वो लेक्चर सुन के ब्रजवासी इतने ऐसे हो गए थे ना, उसमें एक आदमी खड़ा हो गया और वो पिसाया गांव से था, पिपासा वन, वो खड़ा हो गया, प्रभु जी मैं मेरी पिपासा वन में 5 एकड़ जगह आपको फ्री में देता हूँ। मैंने कहा प्रभु जी थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे राधा रानी के चरणों में जगह चाहिए, पिपासा वन तो ऐसे बहुत दूर है और वहाँ पर कौन आएगा, हम तो राधा रानी के चरणों के लालायित हैं। तो वो व्यक्ति आज भी है, जराम राधा चरण है, वो वहाँ का गोस्वामी है पिपासा वन के गाँव का। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बीच में हुई, मतलब हम लोग एकदम डिस्परेट हो गए थे कि भाई राधा रानी जगह दो हमको, हमको सेवा करनी है यहाँ पर। लेकिन बाद में मन में एक विचार आया कि हम लोग जाते आते जाते आते जाते आते 2007 में क्या हुआ, जहाँ पर हम रहते थे और सेवा करने के लिए वहाँ पर रूम में रहते थे और सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन करते थे, तो वो आश्रम के जो प्रमुख हैं उनका नाम है मुरलीधर मल्होत्रा जी, वो बेचारे पिछले साल गुजर गए, वो बहुत अच्छे संत थे, वो गाज़ियाबाद में रहते थे और वो आश्रम को संभालते थे। मैंने कहा कि आप कितना कुछ तड़प रहे हो, मैं मेरे आश्रम में आपको हॉस्पिटल बांध के दूंगा, मेरे खर्चे से आपके डिज़ाइन से, आप यहीं चलाओ, कितना कुछ तड़पते हो। हमको लगा लोग तो डायलॉग बहुत मारते हैं ऐसे, लेकिन उन्होंने अपने खर्चे से हमारे डिज़ाइन से हमको अस्पताल बना के दिया जो आज भी चल रहा है। पर हमने कहा देखो हम लोग यहाँ पर परमानेंट नहीं आ सकते, हम लोग मंथली आएंगे, हाल का कैंप करेंगे और मंथली यहाँ पर आपके ये जो बनाए हुए अस्पताल में 7 दिन 1-7 हर एक मंथ में काम करेंगे। तो हमने वो भी शुरू किया, बोला ठीक है आप आओ कुछ ना कुछ तो करो, हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, बना के दिया पूरा। और 2007 में 29 मार्च 2007 में हमने उस आश्रम में यज्ञ किया, फिर रमेश बाबा भी आए थे और उसका उद्घाटन किया। फिर मेरे मन में विचार आया कि हमारा यहाँ पर ना जगह का काम तब होगा जब हम लोग यहाँ पे आके बस जाएंगे, ऐसा विचार मन में आया, एक दिन ऐसा विचार आया। क्योंकि मन में ना हमेशा विचार चलता था कि कैसे होगा, कब होगा, राधा रानी की हमारी उनकी क्या इच्छा है, कहाँ हम बस जाएं, हमारे को उनके चरणों में बसना है, वो कहाँ बसाएंगी। ऐसा हमारा नंदगांव में बहुत प्रपोजल आए, इधर से आए उधर से आए, लेकिन हमको हमारा माइंड फिक्स था कि राधा रानी के दरबार में ही करना है। तो फिर हमारी निकुंज बिहारी माता जी, तो हाथ ऊपर करेंगे माता जी,
वो ब्लू टी शर्ट पहने हुए हैं, जैकेट, हाँ वो माता जी आई सर्जन हैं, उनके प्रभु जी हैं वो भी आई सर्जन हैं दोनों। वो मुंबई में भक्ति विदान में आई आई की सेवा करते थे, हमारे कैंप में वृंदावन बरसाना सब जगह पर सेवा करते थे। उनको लगा कि अभी बुढ़ा होने के बाद बरसाने में जाके बसते क्या फ़ायदा है, क्या सेवा कर सकते हैं, कुछ शक्ति है थोड़ी सी युवा अवस्था है तो ही अच्छा सेवा कर सकते हैं। तो वहाँ का अच्छा प्रैक्टिस और अच्छा सेटलमेंट सब छोड़ दिया उन्होंने और यहाँ आने का निर्णय लिया। उनके निर्णय को देखकर दो चार और लोग प्रेरणा प्राप्त हुए, वो जो असिस्टेंट लोग थे वो दो अभी भी इधर हैं, मंगल कामती और सचिन आमरे है ना, और किधर है वो सचिन आमरे है क्या मंगल कामती, हाँ खड़े हो जाओ शर्मा तक क्यों, अभी कितने साल हो गए, 2011 में आए थे ये लोग और 11 से 22 तक अभी इधर ही बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्योंकि क्या है ना, सेवा में आपको क्या डिग्री है, क्या है आपकी एक्सपर्टीज, वो सब अच्छा है, लेकिन भाव जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो भाव को राधा रानी स्वीकार करती है। और जैसे ही ये लोग आए ना, ये लोग ना सितंबर 2011 में यहाँ पर आए, बहुत सारी मीटिंग हमारी चलती रही और 2000 सितंबर में आए ये लोग और 6 अक्टूबर को दशहरे के दिन हमने इसका डेली हॉस्पिटल का उद्घाटन किया कि अभी अभी मंथली कैंप बंद करेंगे और फुल टाइम 7 दिन एक दिन छुट्टी करके 7 दिन हर दिन सेवा करेंगे। क्या बताऊँ आपको, 6 अक्टूबर को हमने ये शुरू किया और अक्टूबर के एंड में हमारी पहली भूमि जहाँ पर आप अभी बैठे हो, एग्जैक्टली जिस हिस्से में आप बैठे हो, ये वाला हिस्सा 2.5 एकड़ यानी 4 बीघा, मैं और माता जी हम लोग गए थे छाता में उसका रजिस्ट्री करने के लिए, बहुत क्या कहते हैं उसको रिद्ध प्रसंग था वो, कितने सालों के मेहनत के बाद में 2011 में वो जमीन प्राप्त हुई और फिर उसके बाद कुछ महीने के बाद 3 महीने के बाद में 2012 मार्च में वो जो हिस्सा है वो भी प्राप्त हो गया। और पता नहीं मैं यहाँ से कैंप करके 2011 में घर गया और खाली कंप्यूटर में बैठ के सारा पैसा इकट्ठा किया ओनली ईमेल से, मुझे ऐसी इच्छा है कि आज भी वो चमत्कार हो जाए ताकि बिल्डिंग भी पूरी हो जाए ऐसी मेरी इच्छा है। तो 2012 के मार्च में ये 5 एकड़ जमीन जो है वो आ गई, अभी कैंप चल रहे हैं सब फ्री में चल रहे हैं, उसके भी डोनेशन इकट्ठा करना है, साल का कुछ 50 लाख का खर्चा है, 30 लाख कैंप का है, 20 लाख साल भर के काम का खर्चा है, लोगों को तनख्वाह भी देनी है, काम भी करना है और भी स्टाफ जुड़ गए, 10 साल हमारी जमीन जो है ना वो खाली पड़ी रही। मैं हमेशा आकर यहाँ दर्शन करता था, ये पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना करता था, राधा रानी सुन लो टेर हमारी, ओ वृषभानु दुलारी, हे राधे हमारी पुकार सुनो, कुछ करो हमारे लिए। तो हमारी आधी जिंदगी तो चली गई, 29 साल में शुरू किया था, अभी 60 साल के हो गए, अभी कभी बनेगा क्या होगा आई डोंट नो। तो फिर अभी ऐसे चिन्ह दिखने लगे 2000 अभी कौन चल रहे हैं 22 2021 में ऐसे कोरोना के अंदर ऐसे चिन्ह दिखने लगेंगे कि कुछ होगा, अभी वो बड़ी लंबी लंबी घटनाएं हैं, मैं बाद में बताऊंगा कभी आपको, क्योंकि ना राधा रानी सबकी सुनती है, ये ध्यान रखना इस बात का, आपकी परीक्षा लेती ज़रूर, आपको इंतजार कराती है, दिल में तड़प पैदा करती है, लेकिन ज़रूर आपकी इच्छा आगे पूरी करती है। इसलिए मांगते रहो भक्ति की मांग उनके करते रहो कभी मतलब थक मत जाओ उसमें, पुकारते रहो याचना करते रहो, वो सुनती है। समझे, अभी आप अपनी वाइफ को बोलेंगे मुझे आज शाम को जलेबी खानी है, तो झट से वो जलेबी आपके हाथ में देगी क्या, तो बोले हाँ बोलेगी, फिर वो मैदा इकट्ठा करेगी वो करेगी सब कुछ करेगी, शाम तक आपको शायद जलेबी हाथ में आएगी। कुछ चीज़ों को टाइम लगता है ना जो आप मांग रहे हो उसको, है कि नहीं। वैसे 2021 में ऐसे चिन्ह आने लगे कि लगे अभी बनेगा ये, और 2022 को 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पर मैंने आके यज्ञ किया इस पेड़ के नीचे और इसका काम का शुरू किया, और फिर 13 दिसंबर 2021 के दिन यहाँ पर भूमि पूजन किया, बहुत सुंदर ब्रजवासी तरीके से, बहुत ही सुंदर सुब्रमण्यम स्वामी आए थे यहाँ पर। हाँ वो हमको कैसे यकीन आया कि ये अभी बनेगा, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जो हमारे सांसद है राज्यसभा के, वो हमारे माधवानंद प्रभु के बहुत अच्छे स्नेही है,
उन्होंने यहाँ पर सीमेंट कॉन्क्रीट का रास्ता बनाया जिसमें हमारी बसें आ रही हैं। हमारी बसें आना यहाँ पर नामुमकिन था। मुझे कितनी बार यात्रा करने का दिल करता था मैं, लेकिन नहीं हो सका उधर, क्योंकि रास्ता ऐसा ऐसा था, ऐसा आप चलकर भी जल्दी आएंगे, बस और गाड़ी से नहीं आ सकते, इतना और कच्चा रास्ता था। तो उन्होंने ना सीमेंट कॉन्क्रीट का रास्ता 1,65,00,000 की लागत से अपने निधि से बनाया, अपने आप गवर्नमेंट से बनवाया, हमने कुछ नहीं किया उसके अंदर। तब ये साइन था कि ये अभी बनेगा। जब ये बना रास्ता, उसी रास्ते से स्वामी जी आए और इसी जगह पर पंडाल डाला था हमने, बहुत सुंदर सभा हुई। वो केवल संतों की सभा थी, 350 केवल संत लोगों को निमंत्रण दिया था, नो अदर पीपल। बहुत सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। और उसके पहले हम लोग ने यहाँ पर सर्वे किया था, ये जो पेड़ है ना जिसके नीचे हम बैठे हैं, मुझे अभी भी लोगों ने सुझाव दिया था कि हम लोग उधर बैठेंगे ताकि बहुत खुली जगह है। मैंने कहा नहीं, इस पेड़ के नीचे ही बैठना है, क्योंकि होता है ना वो क्या नाम, वास्तु सर्वे होता है, उसके बाद बहुत मशीन होती है, बहुत आपको अद्भुत मशीन है वो। वो मशीन लेके जब वो यहाँ पर आया ना, उसकी मशीन टैम 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 ऐसे हिल रही थी। उन्होंने कहा ये जो पेड़ है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पेड़ है, स्पिरिचुअली वाइब्रेंट पेड़ है। और एक हमारे भक्त आए थे, उन्होंने कहा अभी आप मुझे पद पूछना, साइंटिफिक प्रूफ क्या है इसका, श्रद्धा से सुनना। उन्होंने कहा कि बहुत हजारों महात्मा सूक्ष्म रूप में इस पेड़ पर भजन कर रहे हैं, बहुत हजारों सूक्ष्म आत्मा इसके साथ। ये पेड़ जो है ना, यही खुद 200-300 साल पुराना है। इसकी शाखाएं गिनो, एक एक शाखाएं बनने के लिए 40 साल लगते हैं। अब शाखा गिनो कितनी शाखाएं उसके अंदर, ऐसे कितने निकल रहे हैं देखो। और इतना बड़ा पीपल का पेड़ मैंने भी ब्रज में कहीं देखा नहीं आज तक, इतना विशाल। कुछ कुछ देखा है लेकिन ये हमारे भूमि में हुआ। देखो उधर एक और एक है, वो भी कुछ 100 साल का पुराना है। एक आम का पेड़ भी, वहाँ पर एक झोपड़ी थी, वहाँ पर मैं आके रहता था झोपड़ी में, वो बाउंड्री के लिए तोड़नी पड़ी। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कि पहले इस पेड़ के ऊपर चबूतरा बनाओ, ताकि पेड़ को कोई आगे कंस्ट्रक्शन आके एनक्रोच ना करे, ताकि ये पेड़ के नीचे सदैव सत्संग, पूजा, अर्चना, प्रार्थना, भजन, कीर्तन होते रहना चाहिए। तो जिस दिन हमने यहाँ पर भूमि पूजन किया, तब से लेकर आज तक हर हफ्ते एक दिन बुधवार के दिन शाम को यहाँ के हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो सब आके यहाँ बैठते हैं और यहाँ पर कीर्तन करते हैं। मैं बॉम्बे से हर वीक वीडियो कॉल पर आता हूँ, वहाँ से मैं गाता हूँ, यहाँ पर लोग रिपीट करते हैं, फिर वो यहाँ दीपदान पूजन करते हैं, पेड़ को पूजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, श्री जी को पुकारते हैं, चले जाते हैं। इसलिए आपको भी मैं यहाँ पर लाया हूँ। अभी कैसा है, आधी मंजिल हमने पार कर ली है, आधी मंजिल अभी बाकी है। लेकिन रहस्य की बात यह है कि शुरू होने के पहले आधी मंजिल प्राप्त हो चुकी थी, अभी भी हमको 9 करोड़ का आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि ये प्रेमी भक्तों के और प्रामाणिक सज्जनों के माध्यम से ही बनेगा, दुर्जनों के माध्यम से नहीं बनेगा, ये हमारा विश्वास है। और बनेगा जरूर, लेकिन कष्ट हमको होगा, हमारा जो योगदान है श्रम का वो देना पड़ेगा। तो ये भी देखो, मैं पिछले हफ्ते यहाँ पर एक यात्रा करके गया पुणे हैदराबाद के 1200 लोगों की, तभी ये इधर तक ही था, 15 दिन में आया तो उसके ऊपर भी चढ़ गया। तो बुरे जोरे से काम चल रहा है और इस साल के एंड तक ये बिल्डिंग हमें सुपुर्द होने वाली है। और इस साल का कैंप जो है हमारी पुरानी जगह पर होगा, अगला कैंप जो है 24 वाला, वो आप सबों की प्रार्थना रही, आशीर्वाद रहा, तो इधर ही होगा। और आप लोग में से बहुत लोगों ने इसमें ऑलरेडी योगदान दिया है, मैं सबको जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका योगदान तो हमको चाहिए ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले आप सबके हमें शुभकामना चाहिए, आप सबकी हमें प्रार्थना चाहिए, क्योंकि हमें विश्वास है इस बात का कि आप जो 400 लोग और बाकी 200 लोग यहाँ पर आए हैं, ये सबके आशीर्वाद से, कृपा से, प्रसन्नता से ही अस्पताल बनेगा। तो हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं, सबका प्रार्थना चाहते हैं। और फिर और भी एक मन में विचार है कि जो ठाकुर भक्ति विनोद ने जब ही चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली को ढूंढ के निकाला था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद वो गंगा जी ने फ्लड कर दिया था वो जगह जहाँ पर महाप्रभु जी का जन्म हुआ था, बाद में फिर पानी वापस आया था और वो जगह वापस प्रकट हो गई। तो ठाकुर भक्ति विनोद जी ने चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद 400 साल के बाद में उसका रिसर्च किया और वो जगह ढूंढ के निकाला प्रूफ के साथ कि ये महाप्रभु का जन्म स्थान है, और वहाँ पर उन्होंने मंदिर बांधा। तभी वो कलेक्टर थे बंगाल के, तो अपने पावर में वो मंदिर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने
नवद्वीप धाम के घरों में जाकर एक एक रुपये का डब्बू पैसा जो है वो इकट्ठा किया और वो मंदिर बनाया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि सबको इस मंदिर के बांधकाम में सहयोग देने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा ऑफिशियल तो एक साइन करेंगे तो सारा धन आ सकता था, लेकिन वो खुद जाकर घरों में भिक्षा करते हुए एक एक रुपया उन्होंने इकट्ठा किया। उस समय का 1901 की बात है ये, 1901 में उन्होंने लोगों से एक एक सिक्का इकट्ठा करके वो पूरा मंदिर बनाया। फिर 1936 में उनके पुत्र हमारे प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सदान सरस्वती, उन्होंने फिर उसका जीर्णोद्धार किया और बढ़ाया उसको और विग्रह स्थापन किए। आज भी ठाट से वो जगह खड़ी है। तो उसी हिसाब से हमारा ये विचार है कि हर भक्त को छोटा मोटा भी यहाँ पर सहयोग देने का मौका होना चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति भी आई वॉन्ट टू ऑल्सो गिव समथिंग, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस। बिल्डिंग जब बनती है ना मंदिर की, या ऐसे भगवान की सेवा वाली जब वास्तु बनती है, तो हम लोग चले जाते हैं लेकिन वास्तु वही रहती है। अन्नदान भी अच्छा है, वस्त्रदान भी अच्छा है, प्रसाद सब वो अच्छा है, लेकिन वो कुछ समय के लिए आपके अंदर रहता है, दोबारा दूसरी बार देना पड़ता है। वो करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वास्तु में हम दान देते हैं ना, तो वो ईंट के रूप में आप रहेंगे और आपके नाम से सेवा चलती रहेगी। अगर हम जाएंगे गुजर के कहीं और जन्म लेंगे, तो फिर भी उस जन्म में भी हमको इस सुकृति का लाभ मिलते रहेगा, क्योंकि आपकी सेवा जो है ना परमानेंट हो गई, शाश्वत सेवा हो गई। आपने यहाँ पर बिल्डिंग बनाने के लिए दान दिया है और यहाँ पर इस बिल्डिंग में कम से कम चार पीढ़ियाँ हमारी सेवा करेंगी। देखो मैं और गिरिराज प्रभु अभी रिटायरमेंट के एज में है, हमने बहुत साल सेवा किया यहाँ पर, मैंने अभी कम से कम 36 साल सेवा की है बरसाने भूमि में, तो मैं एक तरह से संतुष्ट हूँ, आई एम हैप्पी। अभी भी अगर जाने का मौका है तो आई एम हैप्पी बिकॉज आई हैव डन इनफ सर्विस हियर। बट मेरा मन में विचार ऐसा है कि हमारी आने वाले जो अगली पीढ़ी है और उनकी जो पीढ़ियाँ हैं, उनको सेवा के लिए कुछ सब्सटेंस होना चाहिए, कुछ ऐसा वास्तु होनी चाहिए जो पीढ़ियों से भी, देखो आप बैठे हुए यहाँ पर है ना, अभी आप मेडिकल कर रहे हो क्या? नहीं, जो भी कुछ हो, लेकिन यहाँ पर मेडिकल नॉन मेडिकल सब लोग आके सेवा करते हैं, हर प्रकार की सेवा यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ तक कि मरीजों को हाथ पकड़कर टॉयलेट लेके जाना, उनकी दाढ़ी साफ करना, उनको गोली देना ऑपरेशन के बाद, डॉक्टर की जरूरत नहीं उसके लिए, नॉन मेडिकल भी सेवा देते हैं। तो उन सब लोगों को, हमारे पीढ़ी जात लोगों को आगे आकर 100 साल 200 साल तक सेवा का मौका मिलेगा अगर हम ये बना के जाएंगे तो। तो आगे की पीढ़ियाँ उसको चलाती रहेगी और लोग सेवा करते रहेंगे, ब्रजवासियों के नेत्र ज्योति मिलती रहेगी उनको, अंधे लोगों को दृष्टि प्राप्त होगी, वो आपको आशीर्वाद देंगे। ऐसे अनंत आशीर्वाद लोगों को यहाँ मिलते हैं जब उनको नेत्र प्राप्त होते हैं, अंधे लोगों को। यू कैनॉट इमेजिन, आप जरा देखो कभी एक बार आँख बंद करके भोजन करो, पूरा आँख खोलो ही मत, तो आपको पता चलेगा कि आँख खोल कर भोजन करने का महत्व क्या होता है। ऐसे अनेक प्रकार के दुख अंधे लोगों के अंदर होते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम लोग 3 हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, वो 3 हरे कृष्ण महामंत्र में आप सब लोग हमारे लिए ये अस्पताल पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, भक्तों की प्रार्थना भगवान सुनती है, इस पर हमको पूरा विश्वास है। और रही बात डोनेशन की, तो हमने ना एक छोटा सा ऐसा प्रपोजल रखा है, बड़े से बड़ा प्रपोजल भी है। ऑपरेशन थिएटर स्पॉन्सर कर सकते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट स्पॉन्सर कर सकते हैं, वार्ड स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो करोड़ों का उसमें हिसाब है, पूरा फ्लोर स्पॉन्सर कर सकते हैं, 6 करोड़ 7 करोड़, ऑपरेशन थिएटर 30 लाख, ओपीडी 25 लाख, ऐसे 4 OPD है, 4 थिएटर है, इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे लाखों के करोड़ों के हिसाब है। लेकिन सबसे कमजोर व्यक्ति को भी उसमें दान करने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए हमने पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट ढूंढ के निकाला है, वो केवल 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। कोई 1 स्क्वायर फीट दे सकता है कि 2, कोई 5, कोई 10, जैसे भी सुविधा हो, कोई 4 लोग मिलकर भी 1 स्क्वायर फीट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि किसी को मैं नहीं कर सकता ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, मुझे करना है और मैं करूँगा और ये ज़रूर करूँगा। अभी आपके सामने बिल्डिंग बन रही है ना, ऐसा कुछ जमीन नहीं है कि जिसमें हम लोग कुछ बोल रहे हैं, सामने अभी हमारे आंखों के सामने अभी मंदिर मुड़ती जा रही है, पेड़ के महात्माओं का आशीर्वाद है, वो सब आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, उनका भी कृपा है। तो वो हमारे पूरण जी, हाथ करी दिखाई पीछे देखो, पूरण सिंह
हमारे खायरा के और छाता के हमारे परिवार के सदस्य हैं, और वहाँ पर चंचल जी भी बैठे हुए, खड़े हो जाओ चंचल जी, वो भी हमारा अकाउंट फाइनेंस संभालते हैं, तो वहाँ बैठे हैं। उनके पास में हमारे बैंक ट्रांसफ़र का भी डिटेल है कि आप NEFT भी कर सकते हैं, उनके पास QR कोड भी है जिसमें आप इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनके पास में एक डब्बा भी है जिसमें गुप्त दान भी कर सकते हैं। तो 4,000 रुपये नहीं है, चलो अभी लाए नहीं है, कल दूंगा या परसों मुंबई में जाके कुछ करूँगा, अभी मुझे बरसाना में आया हूँ तो कुछ करना है, तो वो डब्बा भी है, हर प्रकार की सुविधा है। और ऐसे ज़रूरी नहीं कि सबको आज ही देना है, कल भी दे सकते हैं, अभी वो डब्बा वहाँ पर चल बैठा रहेगा, हर टाइम हर कथा के बाद में वहाँ पर वो बैठे रहेंगे और आपके हिसाब से आपका कृपा लेंगे। और अभी यहाँ पर नहीं है, आपको मुंबई में अच्छा दान देना है तो मुंबई में जाकर भी आप अपना, वो मैं डाल दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर पूरा डिटेल उसका। हाँ, और केवल आप ही नहीं, आपके दोस्तों को, सहेलियों को, मित्रों को, परिवार के लोगों को, आपके एक्वेंटेंस को, बिजनेस पार्टनर्स को, सबको मौका दीजिए। ये हम लोग उनको मौका दे रहे हैं इसमें इन्वॉल्व होने के लिए, उनको सेवा में राधा रानी की कृपा से आप जोड़ रहे हो। ये मत समझना कि आपके जेब में से हम पैसा ले रहे हैं, राधा रानी की सेवा में जुड़ने का मौका है ये, मैं भी दे रहा हूँ, मुझे भी जुड़ना है ना, इसलिए पता नहीं कितने साल जीऊँगा और कितने साल रहूँगा, लेकिन उसके पहले ये व्यवस्था कर देनी है ताकि आगे की आने अनंत पीढ़ियाँ यहाँ पर आकर अपनी सेवा करती रहेंगी, ब्रजवासियों के नेत्रों की, और धाम में सेवा करने का मौका मिलेगा, राधा रानी के धाम में दर्शन करते हुए आप सेवा कर सकते हो, और इसमें मेडिकल बच्चों की और दांतों की भी सेवा करने का प्लानिंग है, आगे जाकर और भी सुविधाएँ होंगी जब डॉक्टर मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आँखों का ही बनेगा, शुरू में आँखों की टीम है तो आँखों की सेवा हमारी चलती रहेगी, भविष्य में सब प्रकार की सेवा होगी, और भी 4 मंदिर बनाने का सुविधा यहाँ बना के रखा है फाउंडेशन में। तो देखिए जैसे कुछ चीज़ें लुप्त होती जा रही है, कुछ चीज़ें प्रकट हो रही है ना, अगली बार आएंगे तो आपको और कुछ देखने को मिलेगा, उसके अगली बार आएंगे तो एक्टिव हॉस्पिटल मिलेगा, उसके अगली बार आएंगे तो सेवा करने का मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, गुरुजी की कृपा है, तो ये भी गुरुजी ने कृपा हाँ तुरंत कर दिया, क्योंकि उनका जो स्वप्न था, जो प्रॉमिस था कि मैं बरसाने के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उनका स्वप्न भी साकार हो रहा है। तो गुरु की सेवा भी है, ब्रजवासियों की सेवा भी है, राधा रानी की सेवा भी है, हर प्रकार से कृपा ही कृपा है। बोलो जय जय श्री राधे। श्याम, ये धाम के दर्शन करना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत सारा निश्चय, बहुत सारा संकल्प, बहुत सारी सहनशीलता, बहुत सारा सहयोग, ये सब की आवश्यकता होती है, तब जाकर धाम के दर्शन होते हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे कि बहुत लोग आपको सुविधा हो इसलिए लगे हुए हैं मेहनत में, उनके प्रति भी धन्यवाद की भावना होनी चाहिए। अभी भी बता रहा हूँ, आप सब लोग मेरे पास में आ जाओ, जितना हो सके उतना पास में आ जाओ, क्योंकि एक बात मैं लगातार कहते जा रहा हूँ कि जब हम धाम में आते हैं तो हम अकेले यात्री नहीं है, इधर बाकी भी बहुत यात्री है, उनका भी ध्यान आपको रखना है कि सब जगह ऐसे घेरनी नहीं है कि उनको चलने को जगह नहीं मिलेगी, हम ही बैठे हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर समय जहाँ पर भी हम खड़े रहते हैं, बैठते हैं, आपको ध्यान रखना है कि और भी यात्री यहाँ पर है जो आपके जैसे ही अभिलाषी है धाम का दर्शन करने के लिए, तो आपको उनका भी ध्यान रखना है और उनको भी आने जाने के लिए रास्ता छोड़ना है, ठीक है। अभी हम लोग श्री जी के मंदिर में हैं, मैं कुछ ही मिनट बोलने वाला हूँ, सब ध्यान से सुनिए। आपने ऊपर दर्शन किया, ऊपर अभी राधा रानी नए सिंहासन में बैठी हुई है, वो नया सिंहासन 7 नवंबर को ही आया है, उसमें 55 किलो चांदी और 9 किलो सोना लगा हुआ है, और 3 करोड़ की लागत के बाद में 7 नवंबर को राधा रानी को वो समर्पित किया गया है, राधा रानी 7 नवंबर से उसमें विराजमान है। तब से वो उनका एक्चुअल स्थान नहीं है जहाँ पर वो अभी खड़ी है, वो एक्चुअल मंदिर अंदर है बहुत, लेकिन जब कोई 56 भोग की व्यवस्था होती है किसी की तरफ से तो राधा रानी बाहर आती है, तो जब से ये नया मंदिर आया है तब से हर रोज राधा रानी बाहर ही है, और बाहर आने से लाभ क्या होता है, अंदर बहुत भीड़ में दर्शन नहीं होता अच्छी तरह से, बाहर आने से सबको इत्मीनान से दर्शन होता है, तो ये भी बहुत बड़ी धन्यवाद की बात है, हर जगह धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जो हमको मुश्किल हो सकती थी वो आसानी से राधा रानी हमको दर्शन दे रही है ना। मंदिर में जो विग्रह हैं दर्शन, वो राधा और श्याम सुंदर जी के हैं, उनका लोकल नाम है लाडिली और लाल, राधा रानी की छोटी सी विग्रह है, और सांवले रंग के
लाल जी हैं यानी श्याम सुंदर जी हैं, अगर आपको मौका मिलता है, पता नहीं सब जूते पहने होंगे तो पता नहीं, दोबारा अगर मंदिर से गुजरने का आपको मौका मिलेगा तो आपको पता चला गया कि कृष्ण जी भी यहाँ पर चुनरी ओढ़ के खड़े हैं। तो यहाँ पर श्याम सुंदर जी सखी वेश धारण करके रहते हैं, राधा रानी की अलग चुनरी है और श्याम सुंदर की भी अलग लंबी चुनरी है जो राधा रानी को भी कवर करती है। भाव यह है कि कृष्ण भी यहाँ पर राधा रानी के दरबार में सखी वेश में आते हैं। सुबह मंगला में आप आएंगे ना तो एक आरती ऐसी होती है जहाँ पर सामने ठाकुर जी खड़े हैं, आरती होती है, वो होने के बाद में वो पुजारी 90 डिग्री में टर्न करता है और यहाँ पर आरती करता है, फिर आपके पास टर्न करके आपके आरती घुमाता है। तो नीचे कौन है, विशाखा देवी है उधर, उसको कहते हैं विजय लाडली जी। उसकी एक लंबी कहानी कभी बताऊंगा आपको, लेकिन विजय लाडली जी की वहाँ पर पूजा होती है, उसके बाद आरती जनता को दिखाते हैं। क्योंकि एक बार यहाँ पर मुगलों के आक्रमण से राधा रानी का विग्रह जयपुर गया था, भरतपुर गया था, श्योपुर राजस्थान का एक जगह है श्योपुर, वहाँ पर राधा रानी का विग्रह गया था, उस समय विशाखा जी यहाँ पर राधा रानी के स्थान पर बैठी हुई थी और विशाखा जी के होने से मेवों पर विजय प्राप्त किया गया, मेवों का नाश किया गया, इसलिए उनका नाम पड़ा विजय लाडली जी। लाडली जी के रूप में बैठकर इन्होंने विजय प्राप्त किया इसलिए उनका नाम विजय लाडली जी। जब राधा रानी लौट कर आई श्योपुर से तो वो विग्रह नीचे रखा गया जो आपको दिखाई नहीं पड़ता लेकिन है उधर नीचे। और ये आपके सामने एक संगमरमर का मंदिर है, देखिए सबको दिखाई पड़ रहा है, मार्बल टेम्पल आपके सामने, मार्बल का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिखाई पड़ता है वो मंदिर जो है उसमें साल में 3 बार राधा रानी नीचे आती है, ऊपर की सीढ़ियाँ उतर के उनको सिंहासन में बिठा के यहाँ पर विराजमान करते हैं। वो 3 दिन कौन से हैं, हरियाली तीज, वो हरियाली तीज श्रावण में आता है, हरियाली अमावस्या के बाद हरियाली तीज, उससे उस दिन से झूलन यात्रा आरंभ होती है, ठाकुर जी और राधा रानी झूला झूलते हैं पूर्णिमा तक, तीज से तृतीया से पूर्णिमा तक, एक दिन हो गया। दूसरा दिन है राधा अष्टमी, राधा रानी का जन्मदिन, और तीसरा दिन कौन सा है बताइए, हाँ राधा अष्टमी, हरियाली तीज और होली, होली सबसे पहले मार्च में, बाद में जून जुलाई में हरियाली तीज और उसके बाद में राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ला अष्टमी। तो दोबारा रिवाइज करते हैं, हरियाली तीज, होली, राधा अष्टमी। इसमें एक विशेषता है, जब ऊपर पूजा होती है साल भर में, पूजा चलती रहती है ना सुबह, गोस्वामी उनकी सेवा बदलती रहती है, वो आते रहते सेवा करते रहते हैं, तभी सारे पुरुषगण ही राधा रानी की आरती उतारते हैं, जिनमें जितनी भी आरती उतारते हैं पुरुषगण उतारते हैं, और पुरुष जब पूजा करते हैं तब उसको आरती कहते हैं, क्या कहते हैं, जब नीचे आते हैं तो पुरुष आरती नहीं करते, वो जो गोस्वामी है उनकी लड़कियां जो होती हैं वो पूजा करती हैं, तो उसको कहते हैं आरता, क्या बोलते हैं, तो जब 4:30 बजे ठाकुर जी नीचे आते हैं तो आरता होता है पहले, और जब 7 बजे लौट के जाते हैं तो दूसरा आरता होता है, फिर बाकी सब आरतियाँ होती रहती, ये यहाँ का महात्म्य है। और यहाँ का और भी महात्म्य ये है कि केवल ब्राह्मण लोग यहाँ पर सेवा नहीं करते हैं, सभी जातियों के हर जाति के लोग यहाँ पर सेवा कर सकते हैं, ऊपर केवल गोस्वामी जी सेवा करते हैं, ब्राह्मण कुल के जो सेवायित हैं जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है वही सेवा करते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, जय हो जय हो जय हो महाराज जी, जय हो, दंडवत प्रणाम, जय हो, ये हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, जय हो जय हो। ये है श्री जी का बीड़ा या बीड़ी, और ये है श्री जी का इत्र, हरे कृष्णा। तो यहाँ से आगे जाएंगे तो और एक सीढ़ी है नीचे उतरने के लिए, जिसमें से आप लोग बहुत सारे चढ़ के आए होंगे, वहाँ पर कामधेनु के दर्शन हैं, उसके आगे ब्रह्मा जी का दर्शन है, क्या करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी के ऊपर आप चढ़ के आए ना तो ब्रह्मा जी को वहाँ वंदन करते हैं पहले, फिर चढ़ के आते हैं। इस मंदिर के पीछे जाएंगे आप, जैसे अभी यहाँ से उतर के आए ना
ऐसे एक रास्ता है जहाँ से हम जाएंगे अभी, वहाँ से राधा रानी के चरण चिन्हों का दर्शन है। राधा रानी इस पहाड़ के ऊपर खड़े रहकर 7 किलोमीटर आगे नंदगांव का पहाड़ है। जब आसमान साफ होता है तो यहाँ से नंदगांव दिखाई पड़ता है 7 किलोमीटर से, और उस समय तो प्रेम के कारण ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तो राधा रानी पीछे खड़े होकर कृष्ण को इशारे करती है, कृष्ण वहाँ खड़े होकर इशारे करते हैं। तो जब भाव से इशारे करते हैं तो उनके पैर के नीचे के जो पत्थर हैं वो पिघल जाते हैं और राधा रानी के चरण चिन्ह निर्माण होते हैं। तो राधा रानी के चरण चिन्ह के दर्शन है वो मैं आपको जाते हुए कराऊंगा, और वहीं से आपको ललिता सखी के गांव का दर्शन होता है पहाड़ से ही। हमारे लेफ्ट साइड में सफ़ेद रंग का मंदिर आपको दिखाई देगा, लेफ्ट साइड पे सफ़ेद रंग का मंदिर का घुमट है, वो है ऊंचा गांव, यानी राधा रानी के प्रथम सखी जो है उनका गांव है वो। उसका संस्कृत नाम है उच्च ग्राम, लोकल नाम है ऊंचा गांव। वहाँ पर उनके पिताजी का नाम है अशोक महागोप, तो पर्वत का नाम भी अशोक पर्वत है, लोकल लैंग्वेज में अटोर पर्वत है। माताजी का नाम शारदा देवी है। तो नारद मुनि के अवतार हुए हैं, इनका नाम है नारायण भट्ट गोस्वामी। वो नारायण भट्ट गोस्वामी ने वो ललिता जी का विग्रह जो है प्रकट किया था, और वही नारायण भट्ट गोस्वामी नारद मुनि के अवतार जो 400 साल पहले हुए थे उन्होंने ही श्री जी का विग्रह प्रकट किया था। ये जो मंदिर का विग्रह आप देख रहे हैं ना, ये वज्रनाभ जी ने बनाया हुआ है और स्थापन किया है। कालांतर में ये लुप्त हो गया था, पहाड़ के अंदर लुप्त हो गया था। तो राधा रानी ने नारायण भट्ट गोस्वामी को स्वप्न में दर्शन देकर ये बताया कि मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तो नारायण भट्ट गोस्वामी ने वहाँ से उनको प्रकट किया। हम जब इस मंदिर से कुशल बिहारी मंदिर के रास्ते में जाएंगे तो बीच में एक पेड़ आएगा जिसको वो सजा के रखा हुआ है, वो स्थान है राधा रानी की प्राकट्य स्थली। इसलिए ये डंडा जो है इसको देखते देखते मेरे पीछे पीछे आना है आपको, मैं आपको सब दिखाते जाऊँगा, ठीक है। ये डंडा आपका निशाना रहेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। तो पीछे हो गया चरण दर्शन, उसको आगे हो गया ऊंचा गांव के दर्शन, पीछे चलेंगे तो रास्ता में आएगा राधा रानी विग्रह प्राकट्य स्थली। उसके बाद में जहाँ पर कुछ लोग आप उतरे, पीले रंग का महल है, देखो दिखाई पड़ रहा है, लेफ्ट में दिखाई पड़ रहा है, पीले रंग का महल दिखाई पड़ रहा है पहाड़ पर, हाँ वो है जयपुर का मंदिर। तो अगली जो कथा है छोटी सी मैं वहाँ पर करूँगा। हम लोग सब लोग ना थोड़ा सा फास्ट चलना चाहिए, समय बहुत कम है आपको सबको, तो मैं कोशिश करूँगा आपको जितना अधिक बताने का कोशिश करूँगा, लेकिन आप पीछे रहेंगे तो फिर मैं बहुत देर रुक नहीं पाऊँगा, ठीक है। बोलो जय जय श्री राधे। राधा रानी की सखी रहती है ललिता देवी, उनके पिताजी का नाम है अशोक महागोप, माताजी का नाम है शारदा गोपी, और वो जो छोटा सा पर्वत है जिस पर ये मंदिर है उसका नाम है अटोर पर्वत, ठीक है। उसी मंदिर में उसी देखिए नीचे एक और एक डोम दिखता है आपको, डोम देखो नीचे एक डोम है, वाइट रंग का डोम है, हाँ सबको दिखाई पड़ रहा है क्या, देखो नीचे एक बड़ा जो वहाँ पर पर्वत से एक छोटा सा डोम है, वो बलराम जी का मंदिर है। रेवती जी, जैसे मैंने आपको कल याद होगा बताया था, जब उसका विवाह हुआ तो बलराम जी को लेकर अपनी सहेली ललिता को मिलने आई थी, तो वहाँ पर निवास किया था उन्होंने, ठीक है। अभी ये सीढ़ी आप चढ़ेंगे ना ऊपर, तो सीढ़ी ऊपर चढ़ने के बाद में लेफ्ट में मैं किसी को अंदर लेकर जाऊँगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो जगह है नहीं। तो अभिराम प्रभु आप वहाँ पर खड़े रहिए और सबको उंगली से दिखाइए चरण दर्शन कहाँ पर है, अभी आप जाके खड़े हो जाइए वहाँ पर, और अभिराम प्रभु आपको उंगली से दिखाएंगे, आपको दूर से देखना है वहाँ राधा रानी के चरण। देखो मैं डंडा दिखा रहा हूँ ना आपको, ये डंडा दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पर अंदर है, तो अगर सब अंदर जाएंगे तो शाम तक हम लोग चरण दर्शन। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा रामा। अभी आपको समझ में आया होगा कि यात्रा करने के लिए साल भर वॉकिंग करना पड़ता है। जो साल भर वॉकिंग करता है वही यात्रा का पूरा लाभ ले सकता है। जो साल भर सोता है वो यात्रा में सबसे पीछे रहता है और उसको यात्रा का पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए चुस्ती रखना है तो साल भर चलना है। अभी मैंने एक निर्णय ले लिया है। लास्ट कथा में बोलते बोलते मेरे मन में ऐसा अचानक मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया, वो ये है कि जब हम वॉकिंग करते हैं रोज़ सुबह तो ये विचार करना है कि मुझे इस साल में एक साल एक बार गोवर्धन की परिक्रमा करनी है, इसलिए मैं चल रहा हूँ, ताकि रोज़ गोवर्धन की याद आएगी आपको और रोज़ आपकी फिटनेस बनी रहेगी। और फिर आप देखिए गोवर्धन में आप हाउ यू विल वॉक, ये राज है। देखो आप शहर में रहो किधर भी रहो आप कृष्ण की चेतना में रह सकते हो, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो डेली आई वॉक आई मीन आई वॉक आई रिमेंबर गोवर्धन, कि ये वॉकिंग मैं कर रहा हूँ कुछ मुझे गोवर्धन की परिक्रमा करनी है। हरे कृष्णा। और इसका परिणाम ये रहा कि इस बार जब मैंने गोवर्धन परिक्रमा की तो हवा में उड़ते हुए की, ना पैर में दर्द हुआ ना कोई ब्लिस्टर हुआ ना कोई थकान हुई, अगले दिन भी चलने के लिए तैयार था मैं। हाँ, और एवरेज एज हमारी यात्रा का कितना है, इसमें बहुत सारे युवा अवस्था के लोग हैं, लेकिन सारे युवा अवस्था के लोग मेरे एक किलोमीटर पीछे रहते हैं। अभी देखा ना आपने कितने युवा अवस्था के लोग धीरे धीरे आ रहे हैं पीछे से, ऐसे डुलत 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 डुलत। तो ये सब फिटनेस क्यों करना है हमको, हमको कृष्ण की सेवा करनी है, इसलिए हमको फिट रहना है। हमारी फिटनेस भी हमारे सौंदर्य के लिए नहीं है, कृष्ण की सेवा के लिए, ठीक है। तो ये मंदिर जो है ये दानगढ़ में आता है, जिस गढ़ में हम पहले अभी खड़े थे जहाँ बैठ कर कथा की थी वो है भानुगढ़। क्या बताया मैंने, भानु ये वृषभानु महाराज राधा रानी के पिताजी का नाम है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यात्रा में हम लोग केवल अकेले यात्री नहीं है, आप लोग पूरा सीढ़ी नाप के बैठे हुए इसको ना ध्यान देते हुए कि बाकी यात्रियों को भी जाना आना है वहाँ पर। आपने धाम रेंट पे नहीं लिया है, हम सब दर्शनार्थी हैं लाभार्थी हैं, सब जगह आपको ध्यान रखना है कि किसी को असुविधा ना हो। तो ये दानगढ़ है और ये इसको जयपुर मंदिर भी कहते हैं, उसका एक नाम है कुशल बिहारी मंदिर। संक्षेप में कथा इसकी ऐसी है कि सवाई माधो सिंह का एक रेलवे का स्टेशन आता है, जब हम मुंबई से आते ना मथुरा के लिए तो रास्ते में सुबह सुबह 5 बजे एक स्टेशन आता है सवाई माधोपुर, वो राजा के नाम पे बनाया गया है, तो वो राजा ने ये मंदिर बनाया है। और उनका भाव ये था कि राधा रानी का मंदिर उस समय जो हम अभी जाके आए वो पुराना हो चुका था, तो उनको लगा कि ये जगह खाली है यहाँ पर दानगढ़ पे, तो बढ़िया मंदिर बना देते हैं और राधा रानी के विग्रह को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ताकि राधा रानी बड़े अच्छे महल में रहेगी। तो उन्होंने कई साल मेहनत करके, थोड़ा आसपास देख लीजिए कैसा मंदिर बनाया है, क्या काम किया है, कितने पत्थर लगाए, पूरा प्योर पत्थर में बना हुआ है, कितना डिज़ाइन बना है उसके अंदर, सारे हाथी पर लद लद के पहाड़ पर पत्थर लाए गए, उनको उसका कार्विंग किया गया। अब ये 400 साल पूरे हो गए, कोई मेंटेनेंस भी नहीं है, लेकिन वो जाली को देखिए बिना मेंटेनेंस के, जा पीछे देखिए बालकृष्ण को देखो कैसी जाली है आज भी 400 साल के बाद, तो उस समय कैसे होगी जब नया नया बना हुआ। तो कई साल तक मेहनत करके उस समय के बहुत बड़ा धन लगा कर ये मंदिर बना दिया गया, और मंदिर बनने के बाद में रेडी हो गया और कल राधा रानी के विग्रह को वहाँ से यहाँ लाना है, ऐसे प्लानिंग हुआ। तो उस रात को राधा रानी राजा के स्वप्न में आती है और कहती है कि मैं वहाँ से यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि वो मेरा निज धाम है, वो मेरा निज धाम यानी वो मेरा परमानेंट निवास स्थान है, आप मुझे वहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते। तो मैं हर कथा में, आप सुनेंगे मेरे ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो हर कथा में ये प्रश्न पूछता हूँ कि अगर उस राजा के जगह आप होते तो क्या सोचते, बताओ प्रभु जी क्या सोचते,
राधा रानी जो कह रही है वो हिसाब से जाते हैं। वाओ और कोई विचार? आप इतना मेहनत करने के बाद अभी बोल रहे हो? मैं ये पूछता अगर उनकी जगह होता, एक ही लाइन पूछता, पहले क्यों नहीं बताया? सिंपल ना, अगर आपको आना ही नहीं था, आप तो सर्वज्ञ हो, आपको सब दिखाई पड़ता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, हाथी के ऊपर से इतना सामान ला रहा हूँ, बना रहा हूँ, बन गया, बन रहा है। तो अगर आप शुरू में बोलते तो मैं इतनी मेहनत नहीं करता। तो फिर हुआ ये कि वो बड़े भक्त थे भगवान के, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था राधा रानी के आनंद के लिए कि राधा रानी आनंदित होगी यहाँ पर। और जब उनको ये मैसेज मिला स्वप्न में कि आपको नहीं आएंगे, उनको वहीं रहना है, उनकी खुशी वहीं रहने में है, तो उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार कर दिया और ये मंदिर में दूसरे विग्रह स्थापित कर दिए जो है राधा कुशल बिहारी जी। तो ये मंदिर जो है ना, वो मेरे भावना से ऐसा मुझे लगता है कि माधव सिंह के भावना का प्रतीक है। हमें कोई छोटा काम करे या बड़ा काम करे, विशाल काम करे या विशाल काय काम करे, करना केवल राधा रानी और कृष्ण के आनंद के लिए। और हम कुछ सोचते हैं कि उनका आनंद इसमें होगा और हमको मैसेज मिलता है गुरुजी के माध्यम से कि इसमें नहीं है, उसमें है, तो हमको तुरंत स्वीकार करना है, जिद नहीं करनी है। अरे क्या इतना मेहनत किया, इतना सोच के किया, इतना प्लानिंग बनाया, सब वेस्ट हो गया, कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली ईश्वर इच्छा बलियसी, श्री कृष्ण राधा रानी की इच्छा जो होती है ना सर्वतोपरि होती है। कृष्ण भी राधा रानी की इच्छा के खिलाफ जाते नहीं है, कितना भी उन्होंने कुछ भी मेहनत की होगी, कोशिश की होगी। हमको ये देखना है कि जीवन में हमारे सारे कार्यों का एक ही परिणाम होना चाहिए, समसिद्धिर हरितोषणम, केवल भगवान को संतुष्ट करना है। हमारा श्रम व्यर्थ हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमने तो दिल से बनाया था, इतना प्रेम से बनाया था, इतना धन लगाया था, इतनी बुद्धि लगाई, इतना प्लानिंग किया, इतना योजना किया, इतना संकल्प किया, ये सब कुछ होने के बाद भी सत्य यही है कि राधा रानी और कृष्ण जो है वो प्रसन्न होने चाहिए, उसी के लिए हमको जीना है। हमारा विचार, हमारा संकल्प, हमारा कार्य, हमारी मेहनत, हमारा प्रयास सब एक ही के लिए होना चाहिए, कृष्ण और राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। तो ये दान गढ़ है, यहाँ पर आगे हम चलेंगे, मेरा विचार से हम आगे दोबारा बैठकर कथा नहीं करेंगे, आगे जहाँ पर मैं ले जाऊँगा आपको उसकी कथा मैं यहाँ ही कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना ताकि वहाँ जाके फिर आपको दोबारा कन्फ्यूज नहीं होंगे। यहाँ से बाहर निकलेंगे, राइट टर्न लेंगे तो 2 ही मिनट के अंदर दूसरा मंदिर आएगा, उनका नाम है दान बिहारी मंदिर। दान बिहारी मंदिर जो है वो भी दानगढ़ का ही हिस्सा है, वो एक ही शीश का हिस्सा है। और दानगढ़ में राधा रानी और कृष्ण भगवान और सब सखियाँ झूला झूलती हैं, उनका झूला झूलने का वो बहुत प्रिय स्थान है। दानगढ़ राधा रानी और कृष्ण भगवान का रास करने का भी बहुत प्रिय स्थान है, तो वहाँ पर रास मंडल भी है, जो गोल स्ट्रक्चर बना हुआ है जमीन पर, वो रास मंडल का प्रतीक है। और वहाँ पर एक बड़ा झूला बना हुआ है, वो झूलन यात्रा वहाँ पर झूला एक्चुअली होता है सावन भादो महीने में। और दर्शन जो है, मैंने वहाँ पर जमीन पर हमारे वो कथा बता दी आपको कि कृष्ण भगवान को गोपाओं को सब अरेस्ट करते हैं और कहते हैं कि आपको कल राधा रानी बनकर आना है और मैं ठाकुर जी यानी आप बनकर आऊँगी। तो वो दर्शन जो आपका है आपको मिलेगा वहाँ पर दान बिहारी का। वो दान बिहारी जी कंगन पहने हुए हैं, गले में मंगलसूत्र है उनके, तो वो एक्चुअल राधा रानी है, वो कृष्ण का भेष बनकर आई है, और जो राधा रानी है वो कृष्ण है। तो मैंने आपको बताया था ना पहले कि यू सी बट यू डोंट सी, यू सी बट यू डोंट सी बिकॉज यू डोंट नो, बट वेन यू नो, वेन यू सी यू कैन सी, है ना। ये हमारे गुरु जी ने आज सुबह मैंने कथा सुनी उसमें उन्होंने बताया, यू सी बट यू डोंट सी। प्रभुपाद जी भी एक बार मंदिर में जूहू में चक्र लगा रहे थे, मॉर्निंग वॉक में एक जगह रुकते ऐसे बीच में रुक जाते डंडा से, ऐसे रुकते और बोलते भक्तों को यू सी बट यू डोंट सी। तो भक्तों को लगा कि बड़ा कुछ चमत्कारिक बात बता रहे हैं, मतलब समथिंग वेरी रियली डीप, यू नो। एक और राउंड लगाया, वहीं जाके रुक गए और फिर बोले यू सी बट यू डोंट सी। मतलब बाप रे, कोई तो विशेष 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 बात है जो हमको समझ में नहीं आ रही है। तीसरी बार राउंड लगाया और वहीं रुके और बोले यू सी बट यू डोंट सी। मतलब प्रभुपाद प्लीज टेल अस व्हाट यू आर सीइंग एंड व्हाट यू कैन नॉट सी। हाँ, आप हमको बताइए कि आपको क्या दिखाई पड़ रहा है जो हमको नहीं नजर आ रहा है। वो बोल रहे दिन ऊपर आ चुका है
ट्यूबलाइट ऑन है, आपको दिखाई नहीं पड़ रही। तो कभी कभी इतनी सिंपल चीज़ें होती है दिखाई नहीं पड़ती है, वैसे ही बड़ी चीज़ें भी जब संत दिखाते हैं तो दिखाई पड़ती है। तो वो दर्शन जो है ना, आप देखेंगे तो हाँ राधा कृष्ण है, लेकिन आपको पता चलेगा अरे हाँ कंगन पहने हुए हैं, दान बिहारी जी राधा रानी है। तो वो रास मंडल का भी स्थान है, वहाँ पर जब एक बार रास हुआ था तो ललिता जी को प्यास लगी थी, तो भगवान ने अपने मुरली से वेणु से वहाँ पर एक कुआं बनाया था और मीठा जल प्रकट किया था और ललिता जी को पिलाया था। अभी आप, मैंने आपको कथा सुनाई, आपके अपने प्रश्न आया क्या कि पत्थर में कुआं कैसे खोद सकते हैं, आया फिर सवाल आया मन में आपके, कुआं कहाँ खोदता है, जमीन में पानी कहाँ निकलता है, जमीन से, आप खोदिए पत्थर में तो पानी आएगा क्या, नहीं आएगा, लेकिन जब कृष्ण भगवान खोदते हैं तो आता है पानी। उधर वृंदावन में भी मदन मोहन जी का मंदिर है, हम जाएंगे वहाँ पर, उधर भी पहाड़ है, उस पहाड़ में भी सनातन गोस्वामी के लिए कृष्ण ने अपने वेणु से कुआं खोदा था जिसमें आज भी मीठा पानी निकलता है कंटिन्यूअस, कभी कम नहीं होता है उसके अंदर। पत्थर में से कहाँ से पानी आता है, नो वन नोज। मुंबई में हमारी बाण गंगा है, लक्ष्मण ने वहाँ बाण मारा था, आज भी निरंतर वहाँ पर गंगा जी का जल बह रहा है, ना वो ओवरफ्लोड होता है बाण गंगा पौंड, ना सूखता है और पानी निरंतर आते रहता है। कहाँ से आ रहा है, नोबडी नोज, वो भी पत्थर में, मलबार हिल के ऊपर है वो। तो ऐसा नहीं कि शहर में, हमारे भारत में तीर्थ स्थान नहीं है, शहर में के अंदर भी तीर्थ स्थान है। आप जाके देखिए, गोपीनाथ मंदिर से केवल 10-15 मिनट का रास्ता है बाण गंगा जी। हाँ, तो वो आप देखिए ललिता को, मैं दिखाऊंगा डंडे से आपको, ललिता का कुआं है, रास मंडल है, हिंदोला है यानी झूला, दर्शन भी करिए, वहाँ पर भी भीड़ मत कीजिए क्योंकि क्या है ना, जगह सब छोटी छोटी जगह है, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आप फिर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर धक्का मुक्की होती रहेगी। और वहाँ पर एक बार कृष्ण राधा रानी के साथ में लीला कर रहे थे, तो एक ब्राह्मण आता है जिसको तीन लड़कियाँ थी, और ब्राह्मण कृष्ण के पास आया और बोला कि मेरे तीन लड़कियाँ हैं, मेरे पास धन नहीं उनका विवाह कराने के लिए, कुछ दान दे दो। तो कृष्ण कहते हैं मैं तो ग्वाला हूँ, मेरे पास कुछ धन तो है नहीं। तो बहुत सोचते हैं वो ब्राह्मण गिड़गिड़ा रहा है दे दो, तो कृष्ण को अचानक एक मन में आइडिया आती है, वो कहते हैं कि मेरा धन क्या है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, बोलो परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 राधा। तो आया समझ में ना, तो उन्होंने क्या किया, राधा रानी को लिया और ब्राह्मण को दान कर दिया। ब्राह्मण थोड़ा रो रहा था पहले, अभी जोर से रोने लगा, क्यों, पहले तीन थे अभी चार हो गई। तुमने मेरी समस्या को समाधान करने के बाद समस्या मेरी बढ़ा दी। तो फिर कृष्ण को दया आई, सभी गोपियों को बताया कि राधा रानी को हम एक पलड़े में बिठाएंगे तराजू में, और दूसरे पलड़े में आप सारे अपने अलंकार उतार कर डाल देना, राधा रानी के वजन के अनुसार जितने भी अलंकार होंगे ब्राह्मण को दान कर देंगे। तो राधा रानी को बिठाया, सब गोपियों ने सब कुछ त्याग करके अपने सारे जेवर जो है कृष्ण की इच्छा के अनुसार दूसरे पलड़े में डाल दिए, लेकिन राधा रानी का पलड़ा नीचे और जेवर का पलड़ा ऊपर। फिर क्या करें, फिर एक तुलसी का पत्र रखा, फिर वह इक्वल हो गया, फिर सारा अलंकार उतार कर वो ब्राह्मण को दान दिया। ये वहाँ की लीला है छोटी सी, लेकिन मेन लीला वहाँ की ये है कि वहाँ पर कृष्ण याचक बनकर राधा से रति का यानी प्रेम का दान मांगते हैं, और राधा रानी उनको फटकारती है, ललिता फटकारती है, कहते नंदगांव वालों को कोई रीति रिवाज है ही नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं, कोई एटिकेट नहीं, कहीं भी लग जाते हैं, चुनरी वो खींच लेते हैं, कुछ करते हैं, कोई उनको कुछ ट्रेनिंग है ही नहीं, इस प्रकार के ताने कृष्ण को देते हैं। लेकिन फिर भी कृष्ण जो है प्रेम के इच्छा के हेतु राधा रानी के पीछे पीछे भागते रहते हैं, तो वो दानगढ़ है। तो हमें वहाँ पर क्या करना चाहिए,
हमें वहाँ पर भी राधा कृष्ण के चरणों के प्रति सेवा का दान मांगना चाहिए। और दान बिहारी जी बड़े दयालु हैं, वहाँ प्रेम से दान मांगेंगे तो देते हैं आपको, है ना। लेकिन कैसा है ना, मैं एक्स वाई जेड हूँ, मैं ए बी सी हूँ, मैं फलाना हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ये हूँ, मेरा ये पद है, मेरे पास इतना धन है, ये मन में लेकर अगर कुछ दान मांगेंगे तो दान मांगने में ऐसा कुछ दम नहीं होता है। दान मांगने में दम कभी होता है जब आप रियली अपने आप को समझते हो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जेब में 50 रुपया है, 500 रुपया है, तो दान मांगने में इतना पावर नहीं होती है। जब जेब में कुछ भी नहीं है और बहुत ज़ोर की भूख लगी है तो दान मांगते हैं ना, उसमें पावर रहती है, पावर ऑफ प्योरिटी, तुरंत दान मिलता है। जैसे हम लोग महाराज जी के साथ में यात्रा करते थे ना 86 में वगैरह, सब हम लोग बच्चे थे, हमारे पास कोई धन नहीं था, पढ़ाई करते थे स्कूल में कॉलेज में, तो महाराज जी की पहले पहले यात्रा में ना कोई प्रसाद की व्यवस्था नहीं होती थी। आप लोगों का गौशाला में लंच है, बस में ब्रेकफास्ट है, डिनर उधर कृष्ण बलराम में है, पूरा पनीर है, गुलाब जाम सब कुछ चल रहा है, बहुत प्लानिंग के अनुसार, हाँ। लेकिन उस समय पे कोई प्रसाद का इंतज़ाम होता ही नहीं था, एक ही रूल था 4:30 AM को निकलना है बस, वापस कब आना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कोई प्लानिंग नहीं होता था, एक व्हीकल होता था बस। और मेरा नाम ही रखा था भक्तों ने वृकोदर, उसको बहुत भयंकर भूख लगती थी, जो दो दो थालियां प्रसाद खाता था प्रोग्राम के में, तो सबसे पहले घंटी मेरी बजती थी, तो महाराज जी को पूछा महाराज प्रसाद का, महाराज बोले अगले स्थान पे प्रसाद की व्यवस्था करेंगे, विल गो टू नेक्स्ट प्लेस, यू नो इमीजिएटली नेक्स्ट प्लेस, अभी एक घंटे में आ जाएगा। ऐसे करते करते एक बार हम लोग रात को 11:30 लौट के आए थे, क्या सुन रहे हैं आप, सुबह निकले थे 4:30 बजे और 11:30 बजे लौट के आए थे, और साथ में हमने पूड़ी का और सब्जी का एक टोकरी भी लिया था। और जब रात को पहुँचे ना, दिन में सुबह ठंड, दोपहर में गरम, शाम को फिर ठंड, रात को 11:30 बहुत ठंड, जब पहुँच गए थे तो आलू के सब्जी के ऊपर पूरा ऐसा ग्रीन फंगस आ गया था। तो महाराज ने कहा खा लो प्रसाद अभी, 11:30 बजे अभी, महाराज ने कहा फ्री पेनिसिलिन, नहीं समझ में आया, फ्री पेनिसिलिन जो फंगस में होता है, तो रात में सब लोग ने वो खाया। एक बार अक्षयवट में हम गए थे और तभी भी ऐसा ही समय था, सबको बहुत भूख लगी थी और सामने मट्टी की बनी हुई 5-6 झोपड़े थे लाइन से, तो मैंने महाराज को कहा महाराज भिक्षा कर ले क्या वहाँ जाके, क्योंकि इंतजाम तो कुछ है नहीं, हाँ जाके करो। तो मैं, मेरी पत्नी, द्वारकाधीश प्रभु, विशाखा माता जी, सब लोग हम लोग गए और हर घर में हमने भिक्षा मांगी और हमको भर भर के रोटी सब्जी दी गई और सबने मादुकरी की और महाराज को अक्षयवट के नीचे लाके दी और महाराज ने उसको बैठ के सबको डिस्ट्रीब्यूट किया और महाराज के गोल बैठ के हमने उसको खाया। फिर वापस गए झोपड़ी में और सब मैया ने हमको छाछ पिलाया, छाछ पिया आगे चले। ऐसे हमने कई यात्राएं की। हरी बोल। तो कृष्ण बलराम मंदिर में 7:30 बजे जाकर जो प्रसाद खाने में आनंद है, उससे हजारों गुना अधिक आनंद जो है भिक्षा करके खाने में होता है। लेकिन उसके लिए जेब में पैसे नहीं होने चाहिए और पेट में कर्री भूख लगनी चाहिए, फिर वो भिक्षा मांगने में भी शक्ति आ जाती है ना। तो वैसे ये कथा बताने का प्रयोजन एक ही है, जब तक अपने आप को निर्धन महसूस नहीं करते हैं तब तक प्रार्थना में वो कशिश नहीं होती है। जब तक अपने आप को हम तृणादपि नम्र नहीं समझते हैं कि मैं कुछ हूँ ऐसा है, तब तक प्रार्थना में वो पावर नहीं होती है, वो वहाँ तक पहुँचने में उसमें दम नहीं होता है। इसलिए प्रार्थना करने के लिए दीनता होनी चाहिए, दैन्य से की हुई प्रार्थना जो है वो भगवान के हृदय को छूती है। इसलिए यहाँ पर हमेशा दैन्य से नम्र होकर याचना करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे राम हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे कृष्णा